NIOS के वागदा चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। शिक्षार्थियों, यह DLED का कार्यक्रम है, शैक्षिक कार्यक्रम है। आप DLED शिक्षार्थियों के लिए यह विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में आपकी भागीदारी अनिवार्य है और उसके लिए टोल फ्री नंबर है 1800-1802543। ईमेल है vagda@nios.ac.in। शिक्षार्थियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम DLED से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। प्रतिदिन हम एक नए विषय को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि आपके पाठ्यक्रम में जो विषय दिए गए हैं, आज भी एक विशेष विषय को लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। यह विषय आधारित है 506 पर और विषय है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा, अर्थात एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। इस पर हमने पीछे भी चर्चा की थी और ये देखा था कि यह एक ऐसा विशेष क्षेत्र है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है और शिक्षा के संदर्भ में इसकी विशद व्याख्या की जानी चाहिए। इस विषय पर हम आज अनेक रूपों में बातचीत करेंगे और विस्तार से बातचीत के लिए हमने दो विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है। सबसे पहले उनसे आपका परिचय कराना चाहूँगा। हमारे साथ हैं डॉक्टर सोनल छाबरा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं रावल कॉलेज ऑफ एजुकेशन फरीदाबाद से, और हमारे साथ हैं प्रगति शर्मा, टीचर रावल कन्वेंट स्कूल फरीदाबाद से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शिक्षार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हर कक्षा में किसी न किसी रूप में टीचर को देखने पड़ते हैं, उनके लिए एक विशेष प्रावधान करना होता है। उन सारे सरकारी प्रावधानों के बारे में भी हम बातचीत करेंगे और शिक्षक की क्या भूमिका होगी इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि सोनल मैडम इसकी वे चर्चा शुरू करें और सबसे पहले क्या बताना चाहेंगे। धन्यवाद सर। जैसे कि पिछली कुछ चर्चाओं में भी ये बात हुई है कि जब से RTE आया है, 2010 से लागू हुआ है, तब से एक सरकार के ऊपर भी एक नियम बन गया है कि आपने सब बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान करना है, चाहे किसी भी रूप में कर रहे हैं, क्योंकि ये बाध्य हो गई है सरकार, तो उसके आगे फिर नियम उसी तरीके से बनाए गए हैं। और नियम ये कहता है कि आपको एक क्लासरूम ऐसा बनाना है या हर स्कूल ऐसा बनाना है जिसमें आप हर क्षमता के बच्चों को ले सकें, माने आप किसी भी आधार पे, किसी भी क्षमता के आधार पे बच्चे को एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसा एक कानून आ जाता है जब हम कहते हैं कि सारे के सारे बच्चे एक ही क्लासरूम में आने हैं, काटना नहीं है, छाटना नहीं है कि आपने बच्चों को, कुछ बच्चों को अलग क्लासरूम में डाला, कुछ को अलग क्लासरूम में डाला। हाँ, बिल्कुल सेग्रीगेशन करना पड़ता है, बट वो सिर्फ रैंडमली किया जाता है, क्षमता के आधार पर नहीं किया जाता है। तो इस स्वरूप में जब एक क्लासरूम निकल करके आता है तो उसे हम इंक्लूसिव क्लासरूम का नाम देते हैं, जिसे हम कहते हैं कि एक जनरल क्लासरूम है जिसमें एजुकेशन हो रही है और जिसमें किसी भी आधार पे कोई काट छाट नहीं करी गई, यानी सब बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा रहा है, ये ना ध्यान देते हुए कि उनकी क्षमता कैसी है। तो अगर एक बच्चा है जो हियरिंग इम्पेयर्ड है तो वो भी वहीं पढ़ रहा है, जो विजुअली इम्पेयर्ड है वो भी वहीं पढ़ रहा है, जो क्लास में रेगुलर नॉर्मल बच्चा है जिसकी ऐसी कोई ज़रूरत अलग नहीं है वो भी वहीं पढ़ रहा है। तो सब बच्चों को जब हम एक साथ पढ़ाते हैं तो हम उसे इंक्लूसिव क्लासरूम कह रहे हैं। ध्यान दीजिए, हम लर्न टुगेदर की बात ज़रूर करते हैं क्योंकि सबको इकट्ठे पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक सिचुएशन बनती है कि एक क्लासरूम बनाया गया है जिसके अंदर 50 बच्चे हैं, कुछ बच्चे कुछ क्षमता के हैं, कुछ बच्चे कुछ क्षमता के हैं, तो आपने उनको एक सब्जेक्ट इकट्ठे पढ़ाया, फिर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कर दिए, माने जो जैसे सपोज अगर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है तो उसे आपने किसी और क्लासरूम में भेज दिया, या लर्निंग डिसेबल्ड बच्चा है तो उसे किसी और क्लासरूम में भेज दिया। उस तरह की सेटिंग को हम इंक्लूसिव क्लासरूम का नाम नहीं देते हैं। RTE के बाद ये बिल्कुल क्लियर है ये बात कि इन सब बच्चों को हमने अरेंजमेंट करना है कि वो एक साथ एक ही क्लासरूम में पढ़े। क्योंकि ऐसा अरेंजमेंट अब बाध्य हो गया है सरकार के लिए, तो सरकार को भी उस डायरेक्शन में काम करना पड़ रहा है और अब नियम लाया गया है कि हर स्कूल के पास एक स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए।
अब स्पेशल एजुकेटर ज़रूर होगा, वो ज़रूर मदद कर सकता है रेगुलर टीचर की, लेकिन ये और समझना ज़रूरी है कि रेगुलर टीचर को भी उतना इक्विप्ड होना पड़ेगा कि वो सभी बच्चों को पढ़ा सके। पहले क्या होता था, इंक्लूसिव क्लासरूम के विपरीत स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम्स होते थे, तो वहाँ क्या होता था, जो भी स्टूडेंट्स जिनकी कुछ ज़रूरतें अलग हैं या डिसेबिलिटी हैं उनको अलग भेज दिया जाता था और वहाँ वो पढ़ते होते उन्हीं बच्चों के साथ जिनकी डिसेबिलिटीज़ हैं। तो नॉर्मल बच्चे और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का आपस में कोई इंटीग्रेशन नहीं होता था या आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता था। उस तरह की सेटिंग को हम स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम कहते थे, जैसे पहले भी थे और अभी भी ख़त्म नहीं हुए, बट बहुत से स्कूल्स हैं जो, जैसे हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए एक स्कूल है या विजुअली इम्पेयर्ड के लिए एक स्कूल है, तो वो पूरा स्कूल उन्हीं तरह के बच्चों को पढ़ा रहा है। जब ये प्रचलन थोड़ा विचलित हुआ तो उसके बाद एक स्थिति आई जब ये बात होने लगी कि इनको भी स्कूल में लेकर आया जाए, नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जाए। लेकिन जब वो नॉर्मल स्कूल में भी लाए गए तो एक अलग क्लासरूम बना दिया गया था उनके लिए जहाँ पर उनको अलग से पढ़ाया जाता था। तो वो सारे के सारे जितने भी बच्चे विद डिसेबिलिटीज़ थे, किसी भी तरह की क्षमता अपंग थे या किसी भी तरह की उनकी कोई क्षमता थी या विकलांगता थी, तो उन सबको इकट्ठे पढ़ाया जाता था। बट अब धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी थी कि समाज जैसे जैसे बदलता है उसी तरह से उसकी शिक्षा की नीतियाँ और बाकी सब नीतियाँ भी बदलती हैं। तो जब समाज ने ये बात मानी कि भाई हम जब सब रहते इकट्ठे हैं, ऐसा तो नहीं होता है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं या जो सुन नहीं सकते उनका समाज अलग है, वो भी हमारे साथ ही रहते हैं, तो जब सब लोग रहते इकट्ठे हैं तो उनका क्लासरूम भी सबका इकट्ठे होना चाहिए, जिसके बाद ये प्रचलन आया कि हम इंक्लूसिव क्लासरूम में काम करेंगे रादर देन स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम में आपने उन्हें अलग अलग बांट दिया है। अब इंक्लूसिव क्लासरूम के बाद ये इसीलिए आप लोगों के साथ भी डिस्कस करना ज़रूरी बन जाता है और हम सबकी एक जागरूकता इस बारे में होनी ज़रूरी है कि सब लोगों को सब बच्चों के बारे में पता हो। तो जो भी शिक्षक क्लासरूम में जा रहा है वो लर्निंग डिसेबल्ड के बारे में भी जानता हो, वो हियरिंग इम्पेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स भी जानता हो, वो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए इनके बारे में भी जानता हो। तो ये सर मेरा ओपिनियन है कि इंक्लूसिव क्लासरूम जो है वो इस तरीके से फंक्शन करता है। तो शिक्षक को चाहिए कि वो सारे जो हमारे टीचर एजुकेशन कोर्सेज भी हैं, चाहे DL Ed लेवल पे हो चाहे BEd लेवल पे हो, इन सब की ज़रूरत है कि आज हम सारे ही शिक्षकों को इस बारे में तैयार करें ताकि जब वो क्लासरूम के अंदर जा रहे हैं तो वो अपने आप को अक्षम ना माने कि भाई मैं इसको नहीं पढ़ा पा रहा या उसको नहीं पढ़ा पा रहा क्योंकि मेरे पास इस तरह की ट्रेनिंग नहीं है। तो हम अब सभी बच्चों को उस क्लासरूम में पढ़ाने की एक साथ कोशिश करते हैं। इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि जब RTE आया तो उसने कहा कि सबके लिए निःशुल्क शिक्षा 6 to 14 के लिए। जी जी तो एक समस्या ये भी थी कि जिस बच्चे में कोई किसी तरह की दिव्यांगता थी उन्हें स्कूल में नहीं लाया जाता था, वो स्कूल से भी दूर रहे। तो इस चुनौती का सामना करने के लिए भी उसमें ये प्रावधान किया गया कि नहीं, सबको स्कूल तक तो ले आए। जी नहीं तो ये लगता था कि अगर सुनने में बाधा है किसी को तो स्कूल लाने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, क्योंकि हमारा जो देश रहा है बहुत सा वर्ग ऐसा है जो संसाधनों के कम समय में, मतलब थोड़ा पीछे है। सॉरी, फिनेंशियल साधन की बात करें तो स्पेशली फिनेंशियली कुछ लोग हैं जो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो वो घर में अगर चार बच्चे हैं और एक बच्चा भी अगर दिव्यांग है या किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है तो माँ बाप की एक टेंडेंसी होती थी कि इसे स्कूल ना भेजें और बाकी तीन को हम स्कूल भेज दें क्योंकि वो तो पढ़ सकते हैं। तो जब RTE आया और जब निःशुल्क शिक्षा आई, जैसे कि सर ने जिक्र किया, तो निःशुल्क शिक्षा के बाद ये ज़रूर हुआ कि इन्हें भी भेजा जाए। लेकिन उसमें सर एक ही चीज़ ये हुई कि स्कूल तो पहुँच गए लेकिन स्कूल की तैयारी उस हिसाब से नहीं थी पहले, कि भाई स्कूल आ जाने के बाद सिर्फ स्कूल लाना हमारा कर्तव्य पूरा नहीं होता, स्कूल लाने के बाद ये भी ज़रूरी है कि उस तरह के अरेंजमेंट्स करे जाएं ताकि हम सब बच्चों को पढ़ा भी सके। तो RTE के बाद ये चीज़ में बहुत चेंज आया, क्योंकि जब सरकार के ऊपर बाध्य हो गया कि इंक्लूसिव क्लासरूम चाहिए, हर क्लासरूम में आपने बच्चे को बिठाना है और हर क्लासरूम में बच्चे को बिठा करके पढ़ाना है, तो आपके शिक्षक को भी आपको उसी हिसाब से इक्विप करना पड़ेगा। इन सर्विस प्रोग्राम्स किए गए हैं, प्री सर्विस कोर्सेज में पहले नहीं हुआ करता था इंक्लूसिव एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट, अब इंक्लूसिव क्लासरूम के नाम से या इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से बिल्कुल उनको पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है ताकि एक फेमिलियरिटी हो। जब तक शिक्षक फेमिलियर नहीं होगा स्पेशल बच्चों की ज़रूरतों को लेकर के, मुझे नहीं लगता कि वो क्लासरूम में बहुत अच्छा काम कर सकता है। इसमें एक सवाल पूछा गया था, एक टीचर ने पूछा था कि
सबसे बड़ी दिक्कत आइडेंटिफिकेशन की होती बिल्कुल है। सही। क्लासरूम में सपोज 80 बच्चे हैं जी, आजकल तो प्रोपोर्शन की भी समस्या है। बिल्कुल सर। तो 80 बच्चों में सबकी क्या क्या समस्याएं हैं शिक्षक को पता ही नहीं है। शिक्षक का लक्ष्य है कि अपने पाठ पूरा कर दें, कोर्स को पूरा करें, पहला लक्ष्य वही होता है। तो वहाँ भी बेमानी हो जाता है। ये सारा जो नियम जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर आपको मालूम ही नहीं है समस्या, मान लीजिए सुनने में किसी बच्चे को दिक्कत है, टीचर को पता ही नहीं है, वो पीछे बैठा हुआ है तो उसको कुछ भी जानकारी नहीं होगी। या जो आप लोग बताते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज जी, वो तो पता ही नहीं लगेगा कभी। ये आपकी बात बिल्कुल सही है सर कि ये पहले ये दिक्कत थी कि भाई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं होता था, और जैसे कि जिक्र किया गया, जब तक बीमारी नहीं पता होगी तब तक इलाज किया ही नहीं जा सकता। तो जब तक आपको बच्चों की क्षमताओं का अंदाज़ा ही नहीं होगा तो आपको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आएंगी कि उसे कैसे हैंडल करना है। लेकिन सर यहाँ जिक्र करना चाहूँगी कि अब हर एक जो गवर्नमेंट है अलग अलग तरीके से एफर्ट्स कर रही है। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट में अब उन्होंने क्या किया, स्कूल्स के अंदर दे आर ऑर्गेनाइजिंग कैंप्स। जैसे आज असेसमेंट कैंप है, आज के दिन में भी कुछ स्कूल्स में असेसमेंट कैंप्स है, तो जहाँ पर कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है और जहाँ भी टीचर को लगा है, जो रेगुलर टीचर है क्लासरूम में, कि बच्चों की क्षमताओं में कहीं कुछ भी ऐसा लग रहा है तो उसने रेफ़र कर दिया है टीचर को, जो भी स्पेशल एजुकेटर स्कूल के अंदर है, और वो असेसमेंट कैंप में उन सारे बच्चों का असेसमेंट किया जा रहा है ताकि किसी नतीजे पर पहुँच सकें। जब तक आपके पास आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो बच्चा लर्निंग डिसेबल्ड है या नहीं है, या हियरिंग इम्पेयर्ड है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ कहना चाहेंगे, अगर टीचर सेंसिटिव है, वो थोड़ा सा भी क्लासरूम में जागरूक हो जाता है, वो सिर्फ ये सोच करके ना जाए कि मैंने तुझे जा करके अपनी जो लेसन बनाया है वो पढ़ा करके वापस आ जाना है। अगर आप उस उद्देश्य से जाते हैं कि आप हर बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, तो आप छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाता है। हम ये नहीं कहते कि पक्का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, लेकिन अंदाज़ा होना ज़रूर शुरू हो जाता है। और जब आपके पास एक अंदाज़ा आ जाता है तो फिर आप उसे किसी स्पेशल एजुकेटर के या किसी साइकोलॉजिस्ट के या ऐसे लोग जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके पास रेफ़र कर सकते हैं, ताकि वो कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन करके बता सके पुख्ता तौर पर की परेशानी क्या है। आपने बिल्कुल सही कहा सर, हियरिंग इम्पेयर्ड तो एक ऐसी चीज है जो बहुत लेटर स्टेजेस पे कई बार पेरेंट्स को भी नहीं पता चलती कि ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि पेरेंट्स के साथ क्या होता है, बच्चा सुन नहीं रहा, बच्चा मौज में होगा, स्पेशली जब छोटे बच्चे होते हैं। इम्पेयर्ड के अलावा हार्ड लिसनर भी कई होते हैं, बिल्कुल उनका तो कभी भी नहीं पता लगेगा। बिल्कुल, हियरिंग इम्पेयर्ड एक हमारी एक जो कनोटेशन भी बनी हुई है, समझ भी थोड़ी सी सीमित कर रखी है। हमें हियर इम्पेयर्ड से हमें समझना होगा कि दायरा बहुत बड़ा है, जिसको थोड़ा भी कम सुनाई देता है इसे वहाँ तक लेकर के जा रहे हैं जिसे बिल्कुल सुनाई नहीं देता। तो जो थोड़ा कम सुनाई देता है तो शायद वो आखिरी बेंच पे बैठा है, तो एज ए शिक्षक मेरी बात नहीं सुन रहा। तो कई बार शिक्षक जो सेंसिटिव नहीं होता या जिसे अंदाज़ा नहीं होता, वो गुस्सा भी कर देते हैं बच्चे को कि तुम ढंग से नहीं सुन रहे हो मेरी बात, मेरी क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो, ज़िद्दी बच्चे हो, बजाय कि ये सोचने की कि ऐसी कोई दिक्कत भी हो सकती है। एक किसी ने उदाहरण दिया था, मैडम सुनने वो देखने में आई साइट की प्रॉब्लम थी जी, वो बच्चे को पता ही नहीं लगता था कि क्या ब्लैक बोर्ड पे लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है। तो वो समस्या बहुत समय के बाद टीचर को लगी कि अच्छा ये इसको ये दिक्कत है, जब उन्होंने क्वेश्चन कुछ पूछा होगा जी, तब उसने बताया। तो वही मुझे इसमें वही चीज़ लगता है कि टीचर की जो सेंसिटिविटी है ना, वो क्लास में बहुत मैटर करती है। अगर मैं अपना एक उदाहरण लेना चाहूँ तो मेरे अपने बेटे के साथ मैं बात करूँ तो स्पेक्स की ज़रूरत पड़ी, हमें भी रियलाइज़ नहीं हुआ घर पे, क्योंकि घर पे बुक्स हैं, बच्चा अपने आप पढ़ रहा है, पास भी ले आया, तो हमें भी नहीं लगा कि इतनी बड़ी बात है। लेकिन टीचर ने ये चीज़ पॉइंट आउट करी हमें भी कि जब वो लास्ट बेंच पे बैठा होता है तो ही इज़ नॉट पेइंग अटेंशन, या वो इधर उधर देख रहा है कॉपियों में। तो जब हम पीटीएम पे गए तो शिक्षक ने ही हमें कहा कि आप उसके आईज टेस्ट कराइए। अब ये एक छोटा सा ही उदाहरण है, लेकिन यहाँ से बहुत क्लियरली पता चला कि अगर सेंसिटिविटी रहेगी तो मुझे लगता है कि शिक्षक बहुत अच्छे से वो बात समझ सकता है। एटलीस्ट उसे आइडेंटिफिकेशन के लिए लेकर तो कहीं जाएंगे, उसकी असेसमेंट होगी तो हम उस स्टेज पर आएंगे कि हम उस बच्चे की कोई मदद भी कर सकें। प्रगति, आपसे जानना चाहूँगा कि स्कूल में टीचिंग करते हुए इस तरह का कोई अनुभव हुआ? हाँ जी सर, बिल्कुल हुआ। मैं एक बच्चे को पढ़ा रही थी, उस टाइम वो बच्चा पढ़ रहा था, देख रहा था, सब कर रहा था, पर उसकी राइटिंग बड़ी अजीब सी आ रही थी। क्यों? क्योंकि जो भी वो लिख रहा था वो अलग लिख रहा था जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ था।
तो उसे वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने उस चीज़ को समझा कि हाँ उसे वो चीज़ समझ नहीं आ रही है, वो लिख नहीं पा रहा है, उसकी जो भी नोटबुक में काम किया हुआ है वो सब गलत हो रहा है. तो उस चीज़ से पता चलता है कि हाँ बच्चे को प्रॉब्लम क्या है. बच्चे से पूछा, समझाया, तो बच्चे ने समझी वो चीज़ कि हाँ क्या करना है, कैसे करना है, उसको कैसे समझाना है उस चीज़ के लिए. तो उस बच्चे को समझ आया, फिर उसने समझी, और एक टीचर को भी उसी चीज़ से समझ आता है कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, क्या करना क्या है उस बच्चे को, और आगे मतलब कि उसके लर्निंग पे, उसकी रिटन पार्ट पे, सब चीज़ पे एक फ़र्क आता है. तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस था अभी तक का. और जनरली अगर स्कूल में देखें, हाँ जी, स्कूल में कई तरह के बच्चे आते हैं जिनको अलग से आवश्यकता होती है, तो क्या लगा आपको कि टीचर को, जैसे इन्होंने कहा कि बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, हाँ जी, अदरवाइज़ आप जान ही नहीं पाएंगे कि वो समस्या बहुत समय तक लिंगर ऑन करती रहेगी, हाँ जी, तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सर, जैसे मैम ने अभी कहा, सोनल मैम ने, कि बच्चे को समझने के लिए पहले टीचर को वो चीज़ समझनी पड़ेगी कि बच्चे को दिक्कत क्या है. तो अगर आप काम करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल काम करवा रहे हैं, तो आप अपनी जगह पे ना खड़े होते हुए अगर आप एक राउंड लेते हुए काम करते हैं, तो बच्चे का आप देख सकते हैं कि वो लिख क्या रहा है और वो कैसे काम कर रहा है. अगर आपको ये चीज़ समझ आएगी कि वो लिख क्या रहा है, काम क्या कर रहा है, तो ऑन द स्पॉट आप उस बच्चे का प्रॉब्लम समझ सकते हैं और उसे ठीक करवा सकते हैं. ये कि बहुत ही प्रैक्टिकल है कि वो स्टेज पर कुछ टीचर वहीं तक रहते हैं, तो समझ नहीं आता कि ये समस्या कहाँ है. ये अनुभव हमने भी किया है कि जब हम प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भी जाते हैं, तो जो टीचर्स होते हैं, कई टीचर्स क्लास के स्टार्टिंग में जहाँ वो पोडियम रखा हुआ है या क्लासरूम के टीचर टेबल रखी हुई है, वो वहीं फिक्स रह जाते हैं. तो जब तक आप आगे नहीं जाओगे एज शिक्षक, हम सब ये जानते हैं, हम जानते हैं कि वो हमारी कुछ सीमाएं भी हैं, क्लास में 40 से 50 बच्चे भी हैं, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि घूम घाम के बाद टीचर के ऊपर ही आ जाती है कि अगर वो सेंसिटिविटी रखे हुए हैं, जैसे प्रगति जी ने मेंशन किया कि बहुत छोटा सा एफर्ट है कि आप क्लासरूम में जब बच्चे लिख रहे हैं तो आप घूम लीजिए, आप क्लासरूम में एक रो से निकल के दूसरी रो में जाते हैं, तीसरी रो में जाते हैं, और आप सब नोटबुक्स को देखते जा रहे हैं, तो आपको दिख जाएगा कि कौन सा बच्चा सही लिख रहा है. और कुछ बच्चे हो सकता है कि किसी तरीके की छोटी छोटी गलतियाँ कर भी रहे हों. जैसे मेरा ये एक्सपीरियंस रहा था सर, कि एक बच्चा था वो एम की जगह एन लिख रहा था, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तो एक दो बार तो इग्नोर किया, फिर उसके बाद में जब नोटबुक्स चेकिंग के लिए आई तो फिर वही चीज़ रिपीट हो रही थी कि एम की जगह एन लिख करके आ रहा है. फिर उसकी बुक को, नोटबुक को और ध्यान से देखा गया, तो कई अल्फाबेट्स में ये दिक्कत दिखी. और फिर जब हमने आगे स्पेशल एजुकेटर को उस बच्चे को रेफ़र किया, तो वहाँ वो लर्निंग डिसेबिलिटी का एक केस निकला. तो जब हमें वो चीज़ पता चल गई, तो हम उस डायरेक्शन में एफर्ट कर सकते हैं. जब तक हमें वो चीज़ पता नहीं थी, तो हम भी उसे वैसे ही पढ़ा रहे थे जैसे हम बाकी रेगुलर बच्चों को पढ़ा रहे थे. तो यहाँ मुझे लगता है कि ये एक छोटा सा एफर्ट है. अगर टीचर घूमे, टीचर क्लास में एक एक बच्चे की नोटबुक देख रहे हैं, आप सिर्फ ऐसे चेक मत कीजिए, आप देखिए कि किस तरह की गलतियाँ रिपीट हो रही हैं. कुछ बच्चों की मैथ्स में आपको पैटर्न दिख जाएगा, कुछ का हो सकता है कि जैसे कहा कि दूर से अगर देख रहे हैं तो उसको क्लियरली नज़र ही नहीं आ रहा है, एंड इज़ राइटिंग समथिंग एल्स. तो वो जो चीज़ें हैं वो तभी पकड़ में आएंगी अगर आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्लासरूम में. तो जी जी, एक और भी बात समझ में आती है कि लर्निंग डिसेबिलिटी, उसकी इतनी वेराइटीज़ हैं कि सामान्य व्यक्ति तो समझ नहीं सकता, मुझे लगता है. है ना, जो अपेरेंट होता है वो तो दिखाई दे दिया जी, लेकिन सीख नहीं रहा है. अगर जैसे अटेंशन की प्रॉब्लम है, उसको मतलब शिक्षक को भी मनोवैज्ञानिक बनना पड़ता है उस समय कि बच्चा क्यों अटेंटिव नहीं है. शिक्षक जो होता है ना, जैसे कि बहुत लोगों ने कहा है, और सही मायने में अगर शिक्षक बनो तो ये चीज़ समझ में आती है कि आप सिर्फ शिक्षक नहीं होते हो, आप उस बच्चे के माता पिता भी हैं, आप मित्र भी हैं, आप मनोवैज्ञानिक भी हैं, आप स्पेशल एजुकेटर भी हैं, आप हर चीज़ का रोल उस बच्चे के साथ प्ले करते हो, बशर्ते आप उस चीज़ में टीचिंग में इंटरेस्ट ले रहे हो पूरा पूरा, और आप हर बच्चे के ऊपर वैसे ही ध्यान दे रहे हो जैसे कि आपको लगता है कि हर बच्चे को ध्यान या अटेंशन मिलनी चाहिए. और जब हम आपकी क्लास में किसी भी, वैसे तो किसी भी क्लासरूम में आपको कभी ना कभी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है या कुछ तरह की मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं, आप
एक सेक्शन से निकल करके दूसरे सेक्शन में भी जानते हैं, और आई एम श्योर कि प्रगति जी इस बात पे पूरी तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आप सेम क्लासरूम, सेम क्लास, सेम सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे होते हैं, आप एक सेक्शन से निकल करके दूसरे सेक्शन में जाते हैं और आपको लगता है कि दोनों क्लासों का रूप बिल्कुल अलग अलग है, तो तब आपको कितनी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर तो जब आपकी क्लास में वो बच्चे हैं जिनके जिनकी ज़रूरतें कुछ अलग हैं, तो शायद वो एडजस्टमेंट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं, बट एडजस्टमेंट है। और टीचिंग में या किसी भी एक एक्टिविटी जिसमें हम लोगों से डील कर रहे हैं, इंडिविजुअल से डील कर रहे हैं, तो वहाँ एडजस्टमेंट तो अपने आप हमें करनी ही पड़ेगी। स्कूलों में एक दिन विशेषज्ञ बता रहे थे कि पोर्टफोलियो बनाया जाता है बच्चों का, क्लास वन में ही शुरू हो जाता है वो, और वो आगे तक कंटिन्यू करता है, जो भी क्लास टीचर होगा उसके पास चला जाता है। तो वो एक बहुत ही अच्छा तरीका है समझने के लिए बच्चे का पूरा इतिहास, जैसे डॉक्टर डायग्नोज करता है वही स्थिति है कि एक बार देख लिया उसने कि हाँ कहाँ कहाँ क्या चैलेंजेस हैं या इसका विशेष रुझान किस तरफ है, वो सारी बातें पोर्टफोलियो से आ जाती हैं, तो वो भी एक अच्छा स्टेप हो सकता है और वो बहुत ज़रूरी भी है अगर आज की डायरेक्शन में बात करें। बस उस इस तरह की चीज़ के साथ एक सिर्फ ये है कि टीचर को एफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, जिसके लिए हम सबको शायद तैयार रहना चाहिए कि आप हर बच्चे का एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं। इसी तरीके से सर कई स्कूल जैसे हैं जिनमें प्राइमरी सेक्शन में मदर चाइल्ड कंसेप्ट रहता है, माने एक शिक्षक आया, उसके पास वो 30-40 स्टूडेंट जितने भी एक क्लासरूम में हैं, जब वो क्लास लोअर केजी से अपर केजी में जाएगी तो वो टीचर भी उनके साथ लोअर केजी से अपर केजी में जा रहा है, फिर वो अपर केजी से फर्स्ट में गए तो टीचर भी उनके साथ ऊपर जा रहा है। तो इस तरह के एफर्ट में अच्छा रहता है क्योंकि एक टीचर को स्टूडेंट्स के बहुत पास आने का मौका मिल जाता है। हाँ, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं भी हैं, लेकिन वैसे अगर देखें तो एक अच्छा एफर्ट रहता है क्योंकि जितना ज़्यादा समय आप बिताओगे उतना ज़्यादा हम उस बच्चे के बारे में जान पाते हैं, चाहे वो एक नॉर्मल बच्चा हो चाहे वो बच्चों की ज़रूरतें कुछ अलग हो। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह के छोटे छोटे एफर्ट्स जो हैं वो हमें किसी न किसी प्रयास में या किसी न किसी तरीके से अपनी नॉर्मल डे टू डे टीचिंग में लेकर के आने होंगे, अगर हम उन बच्चों के साथ सही मायनों में काम करना चाहते हैं जो किसी भी रूप से जिनकी विशिष्ट आवश्यकताएं हैं या कुछ ज़रूरत विशिष्ट हैं। तो प्रगति, एक जो अनुभव हुआ कि बहुत सारे पेरेंट्स वो बताना नहीं चाहते, वो छिपाना चाहते हैं, अगर किसी तरह की दिक्कत भी है तो सोचते हैं कि अगर नहीं पता लगे लोगों को वो ज़्यादा अच्छा है, इस तरह का भी इस तरह की समस्या भी देखा है कभी? जी बिल्कुल सर, ऐसे हैं पेरेंट्स जो अपने बच्चे की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें आगे नहीं लाना चाहते, बोलते नहीं नहीं ये तो बस अपने खेल कूद में ऐसा काम कर रहा है या ये सिर्फ आगे नहीं बढ़ना चाह रहा है या अभी सिर्फ बचपन के उसमें है इसलिए ऐसा काम हो रहा है। पर क्या होता है, जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे के हर एक बच्चे के 5 सेंस, मतलब हर एक इंसान के 5 सेंसेस है, ठीक है। अगर हमें लगता है कि बच्चा वहाँ पे उस सेंसेस में काम नहीं कर रहा है, जब हम टेस्ट करते हैं हर एक चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए होता है, जैसे आप नीचे से ऊपर आते हैं तो कई चीज़ें होती है, जैसे ग्रिपिंग की होती हैं कि अगर बच्चा धीरे लिख रहा है तो बच्चा धीरे क्यों लिख रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि बच्चा ढंग से नहीं लिख पा रहा है, क्या ग्रिपिंग नहीं बन पा रही है, क्यों वो पेंसिल को अलग तरीके से पकड़ रहा है, तो वो एक टीचर ही समझ पाती है कि वो ग्रिपिंग क्यों नहीं आ रही है। तो इन चीज़ों के लिए बहुत सी अब न्यू टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं जिसके अंदर हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि उसका ग्रिप कैसे बन जाए, वो कुछ एक्टिविटीज़ इंक्लूड कर देते हैं उसके अंदर जिससे बच्चा आगे बढ़ पाए और उसकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिल जाए। जहाँ आपने बोला कि हाँ कई पेरेंट्स नहीं बताना चाहते कि हाँ उनकी प्रॉब्लम है, पर ये कि टीचर का काम होता है कि वो उन पेरेंट्स को समझाए कि अगर बच्चे को आगे बढ़ाना है तो हमें उसकी पहले प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, शायद अगर उस सोल्यूशन पे हम आगे बढ़ते हैं तो वो बच्चा और आगे बढ़ पाए और उससे और ज़्यादा अच्छा कर पाए। हाँ, चूँकि पेरेंट्स ज़्यादा समय रहते हैं बच्चों के साथ, तो अगर उन्होंने बता दिया तो जो आपके स्पेशल एजुकेटर भी हैं वो भी काम करेंगे फिर ज़्यादा। बिल्कुल सर, इसमें ना एक सोसाइटल स्टिग्मा थोड़ा सा अटैच है कि हम इसे शर्म की बात महसूस करते हैं कि हाँ भाई हमारे बच्चे की कोई विशिष्ट आवश्यकता है या विशिष्ट नीड है या किसी भी तरह की विकलांगता है। बहुत से केसेस में तो आज तो हालांकि हम देखें तो 70% लोग स्पेक्स पहन रहे हैं, लेकिन इवन स्पेक्स का पहनना भी एक थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल सी चीज़ ली जाती है और कि कई सूरतों में हम बच्चों को कह देते हैं कि मत पहनो, जब रिश्तेदार आ रहे हैं आप बताना नहीं चाहते,
या एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर देंगे कि हमारे अपने परिवार में किसी बच्चे के साथ था, उसके पैर थोड़े अंदर की तरफ मुड़े हुए थे, तो उसको डॉक्टर ने सजेस्ट किया हुआ था कुछ स्पेशल टाइप ऑफ शूज़ पहनाए गए थे, ये पैदा होने के समय ही था, तो शूज़ पहनाए गए थे कि ये इसको आप 1-1.5 साल तक पहना करके रखेंगे तो पैर स्ट्रेट हो जाएंगे। परिवार में होते हुए भी हमें ये बात नहीं पता चली, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा उस बच्चे को कपड़े ही ऐसे पहनाते थे कि नीचे तक कपड़े जाएं ताकि वो चीज़ नज़र ना आए। तो आप ये सब, और ये सब पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की चीज़ कर रहे होते हैं कि आप वो चीज़ मानना नहीं चाहते हैं, आप पता नहीं क्यों एक शर्म सी लगती है कि एक बच्चा हमारा बच्चा है और उसमें किसी भी तरह की कोई विकलांगता है नहीं। लेकिन इसके विपरीत जो प्रगति ने कहा, जिसमें फुली एग्री करती हूँ, कि जब तक आप मानेंगे नहीं, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप काम शुरू नहीं करेंगे, और जितनी जल्दी काम शुरू होता है उतना ही ज़्यादा एफर्ट और उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्ट बच्चे के ऊपर आता है। जितनी जल्दी काम शुरू होगा उतनी ही कम बच्चे को दिक्कतें आएंगी, आपको भी, बच्चे को भी और टीचर को भी। तो जितनी अर्ली इंटरवेंशन हो जाती है वो काम उतना ही साध्य रहता है। जी, तो शिक्षार्थियों, इस तरह से आपने देखा कि एक पूरी पृष्ठभूमि अभी तैयार की गई है कि किस तरह से अलग अलग चैलेंजेस आते हैं और शिक्षक किस तरह से उन चैलेंजेस को स्वीकार करे और पेरेंट्स के साथ मिलकर इसका समाधान ढूंढे। इस पर और भी चर्चा जारी रहेगी, अभी एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। स्वयं प्रभा, डिजिटल इंडिया, एजुकेटेड इंडिया। शिक्षकों का शिक्षा से थोड़ा और परिचय करवाने का समय, शिक्षकों का शिक्षा के नए आयामों को समझने का समय। इस ध्येय में जन विकास हो, राष्ट्र का बेहतर निर्माण हो, इसी दिशा में आपके साथ कदम दर कदम साथ देता डीटीएच स्वयं प्रभा वाग्दा चैनल 32। शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण को नई दिशा देने में तत्पर वाग्दा चैनल अब डीडी डायरेक्ट प्लस डिश से सीधे आपके द्वार डिश टीवी के चैनल नंबर 2032 पर। टीवी पर पढ़ो, ये हमने प्लेटफॉर्म नया दिया स्वयं का, कि आपको घर बैठे शिक्षा पाओगे, आपके ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन भी है। भारत ने आधुनिक तकनीक के सहायता से टीचर के प्रशिक्षण करके छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक भरसक प्रयास किया है। मानव संसाधन मंत्रालय की नीतियों में शिक्षक शिक्षा के लिए NIOS और इग्नू का संयुक्त साझा प्रयास वाग्दा चैनल, भारतवर्ष के प्रत्येक राज्यों से सम्मानित शिक्षक शिक्षा विद्वानों की निगरानी में निर्मित उन्नत और रुचिकर दृश्य कार्यक्रम। डीडी के चैनल्स में डायरेक्ट टू होम चैनल्स 32 लॉन्च किए गए हैं। 32वां चैनल शिक्षक प्रशिक्षण का है। इस पर आपके कोर्स से संबंधित कार्यक्रम अर्थात चुने हुए शिक्षकों का लेक्चर प्रसारित हो रहा है। शिक्षक शिक्षा विशेषकर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का 24/7 प्रसारण, रोजाना नए कार्यक्रमों का प्रसारण, शिक्षकों के प्रशिक्षण को समर्पित वाग्दा चैनल 32 की निश्चित देशव्यापी पहुंच। NIOS वेबसाइट के साथ साथ स्वयं प्रभा पोर्टल, स्वयं पोर्टल और मोबाइल ऐप से भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के कार्यक्रमों की निश्चित उपलब्धता। शिक्षक ही लिखेंगे नई परिभाषा, सार्थक समर्थ शिक्षा की भाषा। प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, हम अपना
जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो, कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। शिक्षार्थियों पुनः आपका स्वागत है। ब्रेक के पहले हम लोग बात कर रहे थे कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा किस तरह से की जाए, और इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में भी बात हुई, किस किस तरह के चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में भी चर्चा हुई। तो सोनल मैडम, इसमें और क्या आगे बताना चाहेंगी हमारे शिक्षार्थियों? बिल्कुल, मैं अब आज जो हमारी चर्चा का मुख्य विषय है उस पर आना चाहूँगी कि हम क्लासरूम एडजस्टमेंट किस तरह की करें जब आपकी क्लास में स्पेशल बच्चे हैं या आपकी क्लास में वो बच्चे हैं जिनकी ज़रूरतें कुछ विशिष्ट हैं। तो क्योंकि टीचर है, क्लासरूम है, क्लासरूम में एक से ज़्यादा बच्चे हैं। देखिए, वो ज़माना बहुत आसान था, मुझे लगता है कि जब एक शिक्षक होता था और एक स्टूडेंट होता था तो एक टीचर को सिर्फ उस स्टूडेंट के हिसाब से प्लान करना पड़ता था। लेकिन अब रियलिटी और है, हमारे क्लासरूम में 10, 15, 20, 25, 30, हो सकता 50 तक के भी बच्चे हों। तो जितना नंबर बढ़ता जाएगा उतना शिक्षक के लिए वो टास्क थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप एक अच्छी प्लानिंग करके क्लासरूम के अंदर जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो कार्य जो है आपका आसान हो जाता है। तो जो मुख्य बिंदु है क्लासरूम एडजस्टमेंट के लिए है, जिस क्लासरूम में चिल्ड्रन स्पेशल नीड्स भी हैं, तो पहला बिंदु ही प्लानिंग फॉर टीचिंग है कि आप एक अच्छे से प्लान करके जाएं जब आप टीचिंग के लिए क्लासरूम में जा रहे हैं। नॉर्मल क्लासरूम में भी जब हम जाते हैं जहाँ नॉर्मल क्षमताओं के बच्चे हैं, वहाँ पर भी टीचर को प्लान करके जाना पड़ता है। आप लेसन प्लान बनाते हैं, आप प्लान करते हैं कि आप आज इस खंड में क्या पढ़ाएंगे, दूसरे खंड में क्या पढ़ाएंगे। लेकिन ये चीज़ जो है ये शायद थोड़ी सी और एक उग्र रूप ले लेती है जब आपकी क्लास में चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स भी होते हैं, यानी वो बच्चे भी हैं जिनकी ज़रूरतें कुछ विशिष्ट हैं। वहाँ मुझे प्लानिंग जो है थोड़ी सी और ज़्यादा मेडिकुलसली करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा कि अगर मेरी क्लास में एक लर्निंग डिसेबल्ड बच्चा है और आज सपोज़ मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ, तो मुझे मैथ्स में कुछ वैसे प्रश्न ढूंढने पड़ेंगे जो वो बच्चा कर पाए। साथ ही साथ मुझे, जब हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कहते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि सिर्फ वो बच्चे नहीं हैं जो लाइन के इस पार है, इसमें वो बच्चे भी हैं जो लाइन के दूसरी तरफ भी हैं। मेरे कहने का अर्थ है कि आपकी क्लास में वो बच्चे भी हैं जिनकी क्षमताएँ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, जो इंटेलेक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो
तो मैं जब एक क्लासरूम में जा रही हूँ या मैं जिसे इंक्लूसिव क्लासरूम कह रही हूँ, समावेशी कक्षा कक्ष कह रहे हैं, तो वहाँ मुझे दोनों बच्चों का ध्यान रखना है, नॉर्मल बच्चों के साथ साथ उनका भी जो स्तर से नीचे हैं, जो एवरेज हैं और जो स्तर से ऊपर हैं। तो जब मैं मैथ्स का लेसन प्लान कर रही हूँ तो मुझे कुछ प्रश्न ऐसे प्लान करने पड़ेंगे जो बिल्कुल साधारण क्षमता वाले बच्चे भी कर पा रहे हैं, जो साधारण क्षमता वाले भी कर पा रहे हैं, और जिनकी साधारण से ज़्यादा है क्षमता वो भी वो प्रश्न कर पा रहे हैं। तो मुझे तीन तरह के प्रश्न हो सकता है बनाने पड़े, या हो सकता है पांच तरह के, डिपेंडिंग ऑन कि आपके क्लासरूम में किस तरह के बच्चे हैं। तो ये एक सबसे पहला कानून है या सबसे पहला नियम है जो मुझे लगता है कि एक शिक्षक को फॉलो करना चाहिए, कि आप बहुत अच्छे से प्लान करके जाएं जो भी आप कक्षा कक्ष में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। मैं एक विज्ञान का विषय पढ़ाने करके लिए जा रही हूँ तो मुझे देखना पड़ेगा कि वो टॉपिक समझाने के लिए मुझे किस किस चीज़ की आवश्यकता है। मैं सपोज़ हम अभी चर्चा के ब्रेक के दौरान यही बात कर रहे थे कि जैसे सपोज़ एक टीचर क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाने के लिए जाता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाने के लिए उसने एक टीचिंग एड बनाया हुआ है और सब बच्चे उसको देख रहे हैं और देख करके वो उसमें से समझ पा रहे हैं। लेकिन उसी कक्षा कक्ष में एक बच्चा है जो विजुअली इम्पेयर्ड है, यानी जो देख नहीं पा रहा है ठीक से। तो अब यहाँ पर अगर सिर्फ मैं वही एक टीचिंग एड यूज़ करती हूँ जो बच्चे देख करके समझ रहे हैं, तो शायद मेरा कार्य अधूरा रह जाएगा, क्योंकि वो बच्चा नहीं इसे समझ पाएगा जो देखने की दृष्टि से जिसकी क्षमताएं थोड़ी सी सीमित है। तो यहाँ मुझे कुछ ऐसा टीचिंग एड भी बनाना पड़ेगा जिसे छू करके बच्चा हो सकता है कि समझ पाए कि मैं क्या पढ़ाना चाह रही हूँ और मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। तो ये पहली चीज़ है कि टीचर जो है क्लास के अंदर प्लान करके जाए कि वो क्या पढ़ाना चाह रहा है क्लासरूम में। प्रगति, आप यहाँ कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, मैं बताना चाहूँगी इस चीज़ में कि मैंने ऐसा ही कुछ चीज़ अपनी क्लासरूम में भी देखा था। मेरी क्लास में एक बच्चा था जो बिल्कुल ही दिव्यांग था, वो बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा था। तो उस चीज़ में हमने उस चीज़ का पहले ये चीज़ देखा कि वो क्या चीज़ समझ पा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले ये चीज़ देखा कि क्या चीज़ वो समझ पा रहा है, हमने कॉपी डाउन करा। क्या चीज़ वो नहीं कर पा रहा, हमने उस चीज़ को भी लिखा बैठ के। जब हमने ये चीज़ पढ़ा कि हाँ वो क्या कर पा रहा है और क्या नहीं कर पा रहा है, इससे पता चला कि अब हमें उसके ऊपर किस चीज़ की मेहनत करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा लिख नहीं पा रहा था तो हमने उसकी लिखने की प्रैक्टिस करी। एक बच्चा था जिसने वो चल भी नहीं पा रहा था, कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, तो हमें समझ आया कि हमें उसको पहले इंस्ट्रक्शंस देने की ज़रूरत है। वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा फिर जाके वो लिखने की भी कोशिश कर पाएगा। ऐसे ऐसे करके अगर हम बच्चे की प्रॉब्लम समझे और फिर हम अपने लेसन प्लान को उसके अकॉर्डिंगली प्लान करें, तो हमें भी समझ आएगा कि बच्चे के ऊपर कितनी मेहनत करनी है और बच्चे की भी हेल्प हो पाएगी इस चीज़ में। तो ये एक सिचुएशन रही है जिसके ऊपर करा है। और जैसे इवैल्यूएशन के लिए मैं बोलूँगी कि बच्चे को सिर्फ समझाना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चे को कितना समझ आया है। कि बच्चे को कितना समझ आया है उसके लिए हमें इवैल्यूएशन रखना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि टेस्ट रखना पड़ता है कि बच्चे को किस किस चीज़ें में प्रॉब्लम है, तो हम एक टेस्ट रखते हैं। अब जैसे दूसरे बच्चे, जैसे मैम ने कहा नॉर्मल चाइल्ड होते हैं और चाइल्ड होते हैं जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है, तो जो नॉर्मल चाइल्ड है हमने उनके लिए रिटन टेस्ट रखे, और जो स्पेशल नीड्स के बच्चे थे उनके लिए सबसे पहले हमने ओरल टेस्ट रखे। ओरल टेस्ट से हमने ये देखा कि वो बच्चा कितना कर पा रहा है, ओरल ड्रिल में कितना अच्छा है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि बच्चा ओरल ड्रिल में कितना अच्छा है, फिर हम उसकी प्रैक्टिस रिटन पार्ट में करा पाएंगे। ऐसे ही होता है कि हम पहले उसको इंस्ट्रक्शंस देना स्टार्ट करें, फिर उसका ओरल ड्रिल चेक करें और फिर उसका रिटन पार्ट चेक करें कि वो किस किस चीज़ों में उसको और मेहनत की ज़रूरत है। यहाँ मुझे प्रगति की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और इन सब उदाहरणों में आप ये बात समझ पाएंगे कि जब तक आप प्लान नहीं करेंगे, चाहे वो प्लानिंग इंस्ट्रक्शन के लिए हो क्लासरूम में, चाहे वो प्लानिंग इवैल्यूएशन के लिए हो क्लासरूम में। जैसे एक उदाहरण लिया कि इवैल्यूएशन करते हुए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, तो पुख्ता तौर पर यही कहेंगे कि जब आप क्लासरूम में जा रहे हैं, कक्षा कक्ष में जाने से पहले आपने जो कुछ भी उस कक्षा कक्ष में उस दिन करना है उसकी पूरी प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। अगर आप पढ़ाने वाले हैं तो उसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए, अगर आप इवैल्यूएट करने वाले हैं तो उसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए, और अगर आप कोई को करिकुलर एक्टिविटी कराने वाले हैं तो उसकी भी आपको प्लानिंग करके जानी ज़रूरी है। तो ये मुझे लगता है कि सबसे पहला और शायद सबसे अहम नियम होगा जब एक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक जाता है जो क्लासरूम एडजस्टमेंट करना चाहता है, ताकि वो बच्चों को, सभी बच्चों को, उसमें वो बच्चे भी हैं जो साधारण क्षमताओं वाले हैं और उसमें वो बच्चे भी हैं जो उच्च क्षमताओं वाले भी हैं, तो सभी बच्चों को अगर पढ़ाने की इंटेंशन से टीचर क्लासरूम में जाता है तो उसको प्लानिंग जो है वो बहुत अच्छे से करके जानी चाहिए। इस बिंदु के बाद हम आगे पढ़ेंगे।
तो जो एक और बिंदु मेरे सामने आता है कि जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सबके लिए समझना, कि एक कोऑर्डिनेशन डेवलप होनी चाहिए टीचर्स के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, और अगर कोई रिसोर्स टीचर स्कूल के अंदर है यानी स्पेशल एजुकेटर रूम स्कूल के अंदर है तो उसके साथ, और जो भी लोग हैं जिनके ऊपर बच्चा किसी भी तरीके से डिपेंडेंट है, माने उदाहरण के तौर पे जैसे सपोज वो किसी थेरेपी के लिए जा रहा है या घर में देखने के लिए उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी साथ में रहते हैं, तो ये जितने भी लोग उस बच्चे के सर्कल में आते हैं, माने बच्चा केंद्र बिंदु बन जाता है, उसके आसपास उसके पेरेंट्स भी हैं, उसको प्रभावित करने वाले उसके टीचर्स भी हैं, उसके सिबलिंग्स भी हैं, हो सकता है उसके कुछ फ्रेंड्स भी हों या पीयर ग्रुप भी हो, स्पेशल एजुकेटर अगर स्कूल में है तो वो भी है। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि बच्चे की जो क्षमताएं हैं वो इतनी सीमित हैं कि उसे किसी एक हेल्पर की ज़रूरत भी होती है, माने जैसे सपोज अगर व्हील चेयर पर एक बच्चा है तो उसे हो सकता है वॉशरूम जाने के लिए भी किसी हेल्पर की ज़रूरत होती हो। तो यहाँ पर इन सब लोगों को जो उस बच्चे को प्रभावित कर रहे हैं, चाहे वो नॉन टीचिंग से हो, चाहे वो टीचिंग से हो, चाहे वो बस का कंडक्टर हो जो उस बच्चे को रोज़ लेकर के आ रहा है, चाहे उसके घर के आसपास जितने लोग हैं जो उसको प्रभावित कर रहे हैं, उन सब के बीच में एक सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सपोज़ अगर कोई एक बिहेवियर है, पर्टिकुलर उदाहरण के तौर पे लेते हैं जो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के बच्चे होते हैं, कि एक बच्चा है जैसे काटने की आदत है, वो बहुत ज़्यादा बाइट करता है, तो ऑब्वियसली वो अच्छी हैबिट नहीं है और आप उस हैबिट को छुड़ाना चाहते हैं, तो टीचर ने एक अलग स्ट्रैटेजी बनाई हुई है उसको छुड़ाने की, और पेरेंट्स अगर एक अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, माने हो सकता है कि टीचर उसको हर बार प्यार से समझाती है और पेरेंट्स हो सकता है उसे गुस्सा करते हो, या इसके विपरीत भी हो सकता है कि पेरेंट्स प्यार से समझाते हो और टीचर गुस्सा करती हो, तो अगर दोनों जगह पर अलग अलग स्ट्रैटेजी चल रही होगी तो वो बच्चे के लिए, बच्चे के समझने के लिए मुश्किल हो जाती है और उसका असर नहीं दिखाई देता है। अगर दोनों जगह पर सेम स्ट्रैटेजी चल रही होगी तो वो बच्चे के लिए भी समझना आसान होगा और बच्चे में इम्प्रूवमेंट भी आपको ज़्यादा दिखेगी। तो इसलिए ज़रूरी बन जाता है कि एक कोऑर्डिनेशन रहे क्लास टीचर के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, रिसोर्स टीचर है, स्पेशल एजुकेटर है क्लासरूम में, कोई फिजियोथेरेपिस्ट है जो उसको किसी तरीके की फिजियोथेरेपी प्रोवाइड कर रहा है, या कोई स्पीच थेरेपिस्ट है, तो जैसे स्पीच इम्पेयर्ड बच्चा, इससे भी एक उदाहरण निकल करके आता है कि सपोज कोई स्पीच इम्पेयर्ड बच्चा है तो वहाँ पर जो स्पेशल एजुकेटर है और जो स्पीच थेरेपिस्ट है वो कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को हम बोलने के लिए प्रेरित करें, कि वो बोलेगा तो ही हम उसको वो चीज़ देंगे, सपोज़ उसे कोई चीज़ चाहिए तो अगर वो बच्चा बोलेगा तो ही हम देंगे, लेकिन घर पे जाता है तो पेरेंट्स को लगता है वो बोल नहीं पा रहा, कोई बात नहीं मैं इसे दे देता हूँ, या मुझे पता है कि उसे भूख लग रही है तो मैं उसे दे देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि घर पे उसे एक अलग माहौल मिल रहा है, घर पे इस तरीके की चीज़ आ रही है कि मेरा बिना बोले काम चल रहा है तो मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है, लेकिन अगर वो स्कूल जाता है तो वो स्पेशल एजुकेटर उससे कहता है कि नहीं आप बोलोगे तो ही मिलेगी, तो वो इफ़ेक्ट कट हो जाता है। यहीं अगर वो एक सामंजस्य बना होगा, इन सब लोगों ने मिल बैठ के एक स्ट्रैटेजी बनाई होगी और सब उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे होंगे, तो अगर वो घर पे भी सेम चीज़ कर रहे होंगे और स्कूल में भी सेम चीज़ हो रही है और स्कूल के बाहर भी वो जितने भी लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बस में आ जा रहा है या किसी टैक्सी में आता जाता है या वो बाहर फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए जाता है, तो अगर सब जगह सेम स्ट्रैटेजी फॉलो हो रही होगी तो उसका जो असर है वो बच्चे के ऊपर दिखाई देना जल्दी शुरू हो जाएगा। प्रगति, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? बिल्कुल मैम, जैसा आपने बोला कि बच्चे के साथ पेरेंट्स भी होते हैं, टीचर्स भी होती हैं, एग्री। जैसे कई पेरेंट्स होते हैं सर सोचते हैं कि टीचर्स ही सब कुछ कर लेंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि बच्चा सिर्फ 6 घंटे के लिए स्कूल में होता है, वो 6 घंटों में जितना टीचर समझा सकती है वो उतना समझाएगी, उसके बाद वो बच्चा स्कूल भी घर भी जाता है, घर पे जाता है, तो घर पे भी एक पेरेंट को समझना चाहिए कि बच्चे को किस चीज़ की नीड है। उसमें अगर ये चीज़ समझ आती है कि बच्चे को किस चीज़ की नीड है तो वो बच्चे को ज़्यादा इनक्रेज कर पाएंगे उस चीज़ में, उसको ज़्यादा इन्हांस कर पाएंगे। अगर आप बच्चे को इन्हांस ही नहीं करना चाहते तो वो बच्चा वहीं के वहीं रह जाता है, पर इन्हांस करने के लिए, इनक्रेज करने के लिए जैसे बात हो रही है कि लेसन प्लान बहुत फिजिबल होना चाहिए, कि जैसा आपको लेसन प्लान बना रहे हो वो आप एक्चुअल में फॉलो अप करते हो या नहीं करते हो। आपको अपना लेसन प्लान पहले तो इन बच्चों के हिसाब से बनाना चाहिए, बहुत क्रिएटिव हो, जिससे वो बच्चे उस चीज़ में इंटरेस्ट देना स्टार्ट करें। अगर बच्चा इंटरेस्ट देना स्टार्ट करेगा तो उसे समझ आएगा कि मुझे आगे करना कैसे है, उसके अंदर एक्टिविटीज़ हो, इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ हो, ग्रुप एक्टिविटीज़ हो, तो एक एक चीज़ के ऊपर अगर एक्टिविटीज़ होती चली जाएंगी तो बच्चे को
उस चीज़ में नॉलेज भी गेन होएगी, वो समझेगा भी, और इसी तरीके से जैसे स्पेशल एजुकेटर्स भी, जैसे मैम ने कहा कि स्पेशल एजुकेटर्स को भी साथ में जो एक्चुअल रेगुलर क्लासरूम की टीचर्स होती हैं उनके साथ बैठ के बात करना चाहिए। अगर वो दोनों मिलके लेसन प्लान्स ऐसा बनाते हैं कि वो एकदम डिफरेंट ना हो, एकदम ही डिफरेंट ना हो, पर बच्चा भी स्पेशल एजुकेट मतलब स्पेशल नीड वाला भी बच्चा उतना ही समझे जितना रेगुलर वाला समझ रहे, और उसी हिसाब से दोनों बच्चे आगे उसी हिसाब से बढ़ पाएंगे। जब हम देखते हैं कि पेरेंट्स को भी हम वही चीज़ समझाते हैं कि बच्चे के साथ कितनी मेहनत करनी है और क्या चीज़ कर सकते हैं कि बच्चा आगे बढ़े, तो उस चीज़ से लेसन प्लान भी इफ़ेक्टिव रहता है बच्चे के साथ और बच्चा भी आगे बढ़ पाता है, और उसी चीज़ में एक सेटिस्फैक्शन भी हो पाती है कि जो चीज़ बच्चे को समझाया वो चीज़ बच्चे ने कर पाया आगे। यहाँ प्रगति की बात से सहमत हो कि आप देखें कि इस तरह की चीज़ ना केवल बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होगी बल्कि वो चीज़ आपके लिए भी फ़ायदे होगी, बिल्कुल फ़ायदा देगी, क्योंकि आखिरकार दिन के आखिर में अगर वो एक संतुष्टि हमें मिलती है कि मैंने अपना काम सही से किया है तो एक नींद भी अच्छी आती है, तो वो चीज़ शिक्षक के लिए भी है। अगर मैं क्लास में गई हूँ और मैं क्लास से वापस आकर अगर मैं दिलो दिल जानती हूँ कि वो शायद मेरी बात दो बच्चों को समझ में नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं अंदर एक मलाल रहता है कि वो बात मैं सब बच्चों को नहीं समझा पाई। लेकिन अगर मैं वो प्लान ठीक से करके गई होंगी और मैंने बाकी टीचर्स के साथ या बाकी जो भी स्टाफ उस बच्चे के साथ काम कर रहा है कोऑर्डिनेशन बनाई होगी, सामंजस्य बनाया होगा, और मैं पूरा कर पाऊंगी उस टास्क को, तो वो ऑब्वियसली एक बेटर शेप देता है। यहाँ कुछ और भी जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन की जाती है जैसे कि जिक्र किया गया लेसन प्लानिंग का, तो एक लेसन प्लान तो शिक्षक बनाता है जब वो क्लास के लिए बना रहा है, तो पूरी क्लास के लिए बना रहा है, लेकिन एक और जब हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की स्पेशली बात करते हैं तो एक और तरीके का प्लान बनता है जिसे हम कहते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, यानी पॉपुलरली जैसे हम आईईपी का नाम देते हैं। आईईपी में क्या होता है कि वो प्लान सिर्फ और सिर्फ उस एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए बनाया जाता है। माने मेरी क्लास में अगर सपोज एक बच्चा है जो लर्निंग डिसेबल्ड है, उसका नाम एक्स वाई जेड है, तो मेरा ये प्लान सिर्फ और सिर्फ इस एक्स वाई जेड बच्चे के लिए बन रहा है, जिसमें उसका सब कुछ प्लान किया जा रहा है। आपने उसकी असेसमेंट कर ली है, आपको पता चल गया है कि वो किस स्तर पे है, अब मुझे उसका स्तर बढ़ाना है, मुझे उसे और इम्प्रूव करना है, तो मैं उसे उसी हिसाब से उसके लिए प्लानिंग करती हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे बात करेंगे कि कुछ बच्चे जो होते हैं जिनकी डिसेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है या क्षमताएँ बहुत ज़्यादा सीमित होती हैं, तो जो एक्टिविटीज़ हमारे लिए नॉर्मल होती हैं जैसे आप शूज़ के लेसेस टाई करते हैं या आप नाड़ा बांधते हैं, तो दीज आर वेरी कॉमन एक्टिविटीज़ फॉर अस, और हमें इसमें कोई एक बिग टास्क नहीं लगता। लेकिन हो सकता है कि वही एक चीज़ जो एक बच्चा मेंटली काफ़ी ज़्यादा इम्पेयर्ड है, तो हो सकता है या मानसिक तौर पे उसकी क्षमताएं बहुत ज़्यादा सीमित हैं, तो उसके लिए वो भी एक एक्टिविटी बन सकती है। तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान क्या करता है, वो यही काम करता है कि पहले असेसमेंट करके कि आप किस स्तर पे खड़े हैं, उसके लिए उसके बाद उसके उस स्तर से आपको नेक्स्ट स्तर पे लेके जाने के लिए सिर्फ आपके लिए वो प्लान किया जाता है। तो यानी क्लास में अगर एक या दो बच्चे ऐसे हैं जिनकी क्षमताएं अलग हैं, तो मैंने सिर्फ उस बच्चे के हिसाब से वो प्लान बनाया, लेकिन वो प्लान बनाते हुए मैं अकेले वो प्लान ना बना करके मैं स्पेशल एजुकेटर को भी वहीं बिठाती हूँ, मैं उसके पेरेंट्स को भी वहीं बिठाती हूँ, मैं और भी जितने लोग उस बच्चे के सर्कल में हैं उनको सबको इकट्ठे बनाकर, क्योंकि हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि क्या ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। हो सकता है कि बच्चा घर में अलग तरीके से बिहेव कर रहा है और स्कूल में अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, और ये आमतौर पर सभी बच्चों में हम देखते हैं कि वो स्कूल पर अलग कई बार अलग तरीके से बिहेव करते हैं और घर में अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर शिक्षक को एक मौका मिलेगा कि सबकी सहमति से एक कॉमन प्लान पे आया जाए और फिर उस कॉमन प्लान के हिसाब से काम किया जाए। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो काम स्कूल में हो रहा है वही काम उसके घर पे भी हो सकता है हो रहा हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एफर्ट है जो मुझे लगता है कि टीचिंग जो है आपकी इंडिविजुअल नीड्स पे बेस्ड होनी चाहिए, स्पेशली विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। यदि आपकी क्लास में सभी बच्चे नॉर्मल हैं तो शायद इस चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जहाँ भी आपकी क्लास में इस तरह के बच्चे हों जिनकी ज़रूरतें कुछ विशिष्ट हों, तो मुझे अपनी टीचिंग को उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा कि मैं इंडिविजुअल नीड्स को अडाप्ट कर सकूं। प्रगति, कोई उदाहरण देना चाहोगे आप? बिल्कुल मैम, इस चीज़ में मैं कहना चाहूँगी आपको, जिससे आपने बोला कि विजुअली वो ठीक हो, कि विजुअली उसको प्रॉब्लम है या ऑडियो, उसके कई बच्चे होते हैं कि ऑडियो
ऑडियो एड्स होते हैं, मतलब कि वो ऑडियो के मतलब कि अगर वो सुन रहे हैं तो वो बहुत जल्दी ग्रैस्प कर लेते हैं, कहीं होते हैं वीडियोस देख के बहुत जल्दी ग्रैस्प कर लेते हैं, कहीं होते हैं ऑडियो विजुअल कि वो दोनों चीज़ों को देख के बड़ी जल्दी वो चीज़ें ग्रैस्प कर लेते हैं। तो वो एक टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बच्चे को कितने अच्छे से टेस्ट कर रही है कि वो तीनों चीज़ों में डिफरेंस देख पा रही है, कि वो बच्चा ऑडियो अच्छे से कर पा रहा है, विजुअल अच्छे से कर पा रहा है, और एक है ऑडियो विजुअल। जैसे मेरे खुद के घर में एक एग्जांपल है, एक छोटा बच्चा है, जब मैंने उसको बचपन से लेके अब तक देख रही हूँ, आज वो 3 साल का है, तो आज मुझे पता चल रहा है कि हाँ वो पहले कैसे नहीं कर पा रहा था। जब हमने उसको यूट्यूब पे वीडियोज़ दिखाना स्टार्ट करी, हम जब जैसे सबकी नॉर्मल राइम्स होती है जॉनी जॉनी एंड ट्विंकल ट्विंकल, हमने उसको पढ़ाना स्टार्ट करा, उसने इतनी जल्दी ग्रास्प नहीं करा। जब उसने यूट्यूब पे वो वीडियोस देखना स्टार्ट करी तो उसने बहुत जल्दी ग्रास्प करना स्टार्ट करा। तो इससे हमें पता चला कि हाँ वो इतनी मतलब कि वो ऑडियो इतनी जल्दी नहीं ग्रास्प कर पा रहा जितनी वो वीडियो ऑडियो ग्रास्प कर पा रहा है। तो वो एक टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बच्चे को कितने अच्छे से टेस्ट करती है। एक बार आपने उस बच्चे को टेस्ट कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि आप उस बच्चे को और कितने अच्छे से इनक्रेज कर सकते हो और कितना इन्हेंस कर सकते हो उस चीज उस पार्ट को लेके। ये बिल्कुल सही उदाहरण है, और ये चीज़ तो आप किसी भी एक क्लासरूम में देखेंगे, एक नॉर्मल क्लासरूम में भी अगर आपके बैठे हैं, अगर आपकी क्लास में 30-40 बच्चे हैं, जैसे कि जिक्र किया गया कि हम सबकी अलग अलग सेंसरी मोडालिटी होती है, माने कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देखकर ज़्यादा अच्छा समझते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सुन के ज़्यादा अच्छा समझते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोल के ज़्यादा अच्छा समझते हैं। तो जो शिक्षक क्लासरूम के अंदर जाता है तो उसका ये प्रयास होना चाहिए कि वो सभी बच्चों के ऊपर पहुँच सके, यानी सबकी सेंसरी मोडालिटी को टच कर सके। हम हमेशा तो नहीं कर सकते कि सिर्फ बोल करके ही पढ़ाएं, इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जो एक अच्छा शिक्षक होता है वो एफर्ट करता है कि क्लास में वो पहले लेसन को एक्सप्लेन करता है, फिर वो बीच बीच में स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है। देखिए, जब आपने एक्सप्लेन किया तो आपने बच्चों की ईयर्स की सेंसरी मोडालिटी को टच किया, लेकिन जब आपने प्रश्न पूछे तो आपने बच्चे से बुलवाया। तो यहाँ उन बच्चों का फ़ायदा हो गया जो बोल के ज़्यादा अच्छा समझते हैं, आपके पहले एक्टिविटी में उन बच्चों का फ़ायदा हो रहा था जो सुन के ज़्यादा अच्छा समझते हैं। इसी तरीके से अगर क्लास में टीचर ऑडियो विजुअल एड या किसी भी प्रकार का टीचिंग एड यूज़ करता है तो वहाँ क्या हो रहा है कि जो बच्चे देख के ज़्यादा अच्छा समझते हैं उनके ऊपर भी एफर्ट जा रहा है। तो ये सब तभी हो पाएगा जब टीचर इंडिविजुअल नीड्स के ऊपर जा रहा है और वो माने, वो ये ना माने कि भाई सारे बच्चे एक ही तरीके से पढ़ते हैं, हर बच्चा अलग अलग है, हर बच्चे की ज़रूरतें अलग अलग हैं। तो शिक्षक को ये प्रयास करना होगा कि वो सब बच्चों की ज़रूरतों को टच कर पाए और सब बच्चों के हिसाब से वो पढ़ा पाए। ऐसा नहीं कहेंगे कि आज मैं ए के हिसाब से पढ़ा रही हूँ, आज मैं बी के हिसाब से, वो हम नहीं कर सकते क्योंकि आपकी क्लास में बच्चे ज़्यादा हैं। जब आपकी क्लास में बच्चे ही सिर्फ 4-5 हुआ करते थे, जो पहले एक ज़माना हुआ करता था कि घर पे आकर के मास्टर पढ़ाता था और क्लास घर में वो 4 या 5 बच्चे हुआ करते थे, वो बहुत आसान था क्योंकि वहाँ सिर्फ उन 4-5 बच्चों के, कई बार तो उससे भी कम, कई बार इंडिविजुअल टीचिंग ही होती थी, तो वहाँ वो बहुत आसान था। लेकिन अब जब हम ये रियलिटी जानते हैं कि हमारे क्लासरूम में 20, 30, 40, 50 बच्चे हैं, तो हम कुछ कॉमन तरीका तो निकाल सकते हैं कि हम कुछ बार ऐसे पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसे पढ़ा रहे हैं, या एक ही टॉपिक को हम हर तरीके से टच करने की कोशिश कर रहे हैं। विद इंटरवेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी ये और आसान हो गया है। अधिकतर स्कूलों में आजकल स्मार्ट बोर्ड्स आ चुके हैं, तो आपको ऑडियो विजुअल टच करने में भी आसानी हो गई है, टीचिंग एड्स आपके पास तैयार हैं। सिर्फ ज़रूरत इस बात की बन जाती है कि आप ये सेंसिटिविटी रखें कि इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से मुझे वो टीचिंग करनी है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे जब हम बात करेंगे टीचिंग इन ग्रुप्स पे, एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो शिक्षार्थियों हमारे साथ जुड़िए रहिएगा और इस ब्रेक के बाद हम वापस इस चर्चा को जारी रखेंगे। स्वयं प्रभा, डिजिटल इंडिया, एजुकेटेड इंडिया। शिक्षकों का शिक्षा से थोड़ा और परिचय करवाने का समय, शिक्षकों का शिक्षा के नए आयामों को समझने का समय। इस ध्येय में जन विकास हो, राष्ट्र का बेहतर निर्माण हो, इसी दिशा में आपके साथ कदम दर कदम साथ देता डीटीएच स्वयं प्रभा वाग्दा चैनल 32। शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण को नई दिशा देने में तत्पर वाग्दा चैनल अब डीडी डायरेक्ट प्लस डिश से सीधे आपके द्वार डिश टीवी के चैनल नंबर 2032 पर। टीवी पर पढ़ो, ये हमने प्लेटफॉर्म नया दिया स्वयं का।
कि आपको घर बैठे शिक्षा पाओगे, आपके ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन भी है। भारत ने आधुनिक तकनीक के सहायता से टीचर के प्रशिक्षण करके छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक भरसक प्रयास किया है। मानव संसाधन मंत्रालय की नीतियों में शिक्षक शिक्षा के लिए NIOS और इग्नू का संयुक्त साझा प्रयास वाक्ता चैनल, भारतवर्ष के प्रत्येक राज्यों से सम्मानित शिक्षक शिक्षा विद्वानों की निगरानी में निर्मित उन्नत और रुचिकर दृश्य कार्यक्रम। DD के चैनल्स में डायरेक्ट टू होम चैनल्स 32 लॉन्च किए गए हैं। 32वां चैनल शिक्षक प्रशिक्षण का है। इस पर आपके कोर्स से संबंधित कार्यक्रम अर्थात चुने हुए शिक्षकों का लेक्चर प्रसारित हो रहा है। शिक्षक शिक्षा विशेषकर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का 24/7 प्रसारण, रोजाना नए कार्यक्रमों का प्रसारण, शिक्षकों के प्रशिक्षण को समर्पित वाग्दा चैनल 32 की निश्चित देशव्यापी पहुंच। NIOS वेबसाइट के साथ साथ स्वयं प्रभा पोर्टल, स्वयं पोर्टल और मोबाइल ऐप से भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के कार्यक्रमों की निश्चित उपलब्धता। शिक्षक ही लिखेंगे नई परिभाषा, सार्थक समर्थ शिक्षा की भाषा। प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो, कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो, मित्रों हम उठे और जागे, प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने।
क्लासरूम एडजस्टमेंट पे हम बात कर रहे थे। शिक्षार्थियों, वापस आपका स्वागत है चर्चा में। क्लासरूम एडजस्टमेंट में हम जब बात कर रहे थे, तो इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे कि शिक्षण जो है वो इंडिविजुअल नीड्स के ऊपर, यानी व्यक्तिगत जो ज़रूरतें हैं बच्चों की, उनके ऊपर बेस्ड होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ एक और चीज़ जोड़ना चाहेंगे कि शिक्षक को एफर्ट करना चाहिए कि वो ग्रुप्स में बच्चों को पढ़ाए। अब ये ग्रुप्स में जब हम पढ़ाने लगते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किन बच्चों का ग्रुप बना सकते हैं, किस तरह के बच्चों का ग्रुप बना सकते हैं। कई बार आपको इस तरह का मौका मिल जाएगा कि आपने 4-5 बच्चों का ग्रुप बनाया है, तो उसमें आपने कोशिश करी कि वैसे बच्चे भी लिए जाएं जो क्षमता से ऊपर है, कुछ वैसे भी लिए जाएं कुछ जिनकी क्षमता थोड़ी सी कम है, ताकि वो एक दूसरे को भी मदद कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना मर्जी अच्छा शिक्षण शिक्षक करता हो, लेकिन जो पीयर ग्रुप का प्रभाव होता है वो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। तो जब आप टीचिंग ग्रुप्स में करते हैं, तो बच्चों को भी मौका मिलता है कि एक दूसरे के साथ हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से भी हम सीख रहे हैं। तो कई बार आप छोटे ग्रुप्स बनाते हैं, कई बार आप बड़े ग्रुप्स बनाते हैं। अगेन वो किस चीज़ पे निर्भर करेगा कि मैं क्या पढ़ाने जा रही हूँ। यदि मेरा कक्ष में जो पाठ्य वस्तु है वो है ऐसी कि मुझे छोटे छोटे ग्रुप्स में पढ़ाना पड़े, तो हो सकता है मैं पूरी क्लास जो 20 बच्चों की मेरी या 30-40 बच्चों की क्लास है, उन्हें छोटे खंडों में बांट दिया है, 5-5 के ग्रुप्स बना दिए, जैसे 8 ग्रुप्स बन गए हैं, तो मैं एक ग्रुप को पढ़ाते हुए बाकी ग्रुप्स को किसी और एक्टिविटी में इंगेज कर देती हूँ, फिर मैं दूसरे ग्रुप पे आती हूँ तो फिर बाकी बच्चों को किसी और एक्टिविटी में इंगेज कर देते हैं। तो दैट रियली डिपेंड्स कि मेरा पाठ्य वस्तु क्या है, तो उसी पे डिपेंड करेगा कि मैंने टीचिंग जो है इंडिविजुअली करनी है, पूरे क्लासरूम को इकट्ठे पढ़ाना है, या मैं उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहती हूँ। प्रगति, आप ज़रूर कुछ ना कुछ उदाहरण हमें यहाँ पर देना चाहोगे? बिल्कुल मैम, मैं आपको बताना चाहूँगी, जिससे मैंने एक चैप्टर बढ़ाया था बच्चों को, जिसके अंदर मैंने बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करा। उससे पहले मैंने एक एक्टिविटी करवाई जो पूरी क्लासरूम एक्टिविटी, जस्ट एनर्जाइज एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं, एनर्जी, क्योंकि बच्चे हर क्लास में पढ़ रहे हैं, अब बच्चे का एनर्जी लो डाउन भी हो जाता है, तो आप एक एनर्जाइज उनके साथ एक्सरसाइज करके देन वी केम अप कि अब हमें चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि अगर आप बच्चे को एक्सप्लेन करते जाएंगे तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है बच्चे के लिए, तो आप जितनी एक्टिविटीज़ और क्रिएटिविटी बच्चों से ही करवाएंगे, तो बच्चों को मुझे लगता है उससे ज़्यादा समझ आता है। अब एक्टिविटी करवाने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ होती है जो इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ होती है, कुछ एक्टिविटी होती है जो 2 पेयर्स में भी हो जाती है, और कुछ एक्टिविटी होती है जो 4 या 5 पेयर्स में भी करवानी पड़ती है। पहली एक्टिविटी मैंने 2 पेयर्स में करवाई, जैसे एक मैंने उनसे एक मिट्टी का पॉट मंगवाया और उनको बोला कि आपको इसको पेंट करना है। ये एक इंडिविजुअल एक्टिविटी थी कि इसके अंदर पहले के ज़माने में, हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था, पहले के ज़माने में कैसे लोग मिट्टी के बर्तन को पेंट करके और उसकी और सुंदरता बढ़ाते थे, तो उन्होंने उस चीज़ को पेंट करा। अब बच्चों को ये भी पता चला कि जो एक पेंटिंग होती है जिसे हम डॉट पेंटिंग करते हैं, उस पेंटिंग को हम पोल्का डॉट पेंटिंग कहते हैं। तो इन चीज़ों से सिर्फ बच्चा सिर्फ एक सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं पढ़ रहा, इसके अंदर बच्चा 3 सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ रहा है। इसका मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे मैंने आपको बोला कि आप बच्चे की एक क्रिएटिविटी करवा रहे हो, एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है, आपने वो एक पॉट लिया, आपने बच्चे को कलर करने के लिए बोला, तो वो एक ड्रॉइंग की एक्टिविटी हो गया कि बच्चा सिर्फ एक ही जगह नहीं भागेगा, उसको लगेगा कि एक ही क्लासरूम में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो उस चीज़ में ध्यान रखेगा और अपना इंटरेस्ट और उस सब्जेक्ट में बढ़ाएगा। जैसे सबको पता है कि हिस्ट्री थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है बच्चों को, अगर हम ऐसी एक्टिविटीज़ करके और बच्चों को ये पता चलेगा कि उसके अंदर एक टॉपिक था जैसे लस्टर, अब लस्टर एक शाइन होता है, ये एक साइंस का टॉपिक है पर वो हिस्ट्री में था, और उसके अंदर ये था कि हाँ जब हम पेंट करते हैं उसके अंदर जो शाइन आती है, वो जो कलर होता है, वो एक लस्टर शाइन होता है। इस चीज़ से बच्चे को सिर्फ एक सब्जेक्ट के बारे में नहीं, ऐसे दोनों सब्जेक्ट्स को उन्होंने कंबाइन करा। इससे पता चलता है कि बच्चा सिर्फ एक नॉलेज गेन नहीं कर रहा, वो बहुत सारी नॉलेज गेन कर रहा है। ये तो बात हुई हमारी एक इंडिविजुअल एक्टिविटी की। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी ग्रुप एक्टिविटी की। ग्रुप एक्टिविटी में मैंने बच्चों को बोला कि आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मेडिवल है, मेडिवल मॉन्यूमेंट्स एंड मेडिवल हिस्ट्री के बारे में आप बताओ कि आपने क्या समझा है। अब आप, मैंने 4 के ग्रुप्स बनाए बच्चों के और मैंने उनको बोला कि आप 4 के ग्रुप्स ही आपके बन गए, अब आपको बैठना है। अब जो कुछ बच्चे थे जो क्रिएटिविटी में बहुत अच्छे थे, कुछ बच्चे थे जो बताने में बड़ी जल्दी जैसे लिख पाते अपनी वर्डिंग में मेडिवल की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, और कुछ बच्चे थे जो अच्छे से उस चीज़ को और एनहांस कर पा रहे थे कि अपनी शीट सबसे ज़्यादा कलरफुल दिखानी है उन्हें।
तो ये चीज़ तीन टाइप की क्रिएटिविटी के बच्चे मैंने बांटे सारी ग्रुप्स में, और उन बच्चों को ग्रुप्स में बैठ के मैंने सोचा कि अब इनसे वो चीज़ काम करवाना चाहिए। इससे पता चलता है कि हर एक बच्चे के पास हर एक टैलेंट है, एक टैलेंट नहीं है, वो बहुत सारे टैलेंट है। तो सारे टैलेंट्स को एक ग्रुप में डाल दिया, मतलब कि हर एक ग्रुप में एक एक टैलेंट होना चाहिए। जैसे किसी में नॉलेज गेन करने का है, किसी में पेंटिंग का बहुत अच्छा है, किसी में कलर्स बहुत अच्छे यूज़ करते हैं, किसी में आइडियाज़ और इनोवेटिव लिया है। तो ये हो गया एक इंडिविजुअल एक्टिविटी में, कि सिर्फ एक एक्टिविटी में सिर्फ एक, मतलब कि सारे अच्छे बच्चों को ना साइड करते हुए हर बच्चे को मिक्स कर दिया, जिससे वो दूसरे बच्चे से और अच्छा सीख पाए। अगर वो सीखेंगे समझेंगे तो वो और अपने आप भी कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की। तो ये एक एक्टिविटी थी जो मैंने बच्चों के साथ करवाई इस तरीके की, सिर्फ अपने चैप्टर में एक एक्टिविटी ना रखते हुए दो एक्टिविटी करवाई, जिससे उनको पता चलेगा कि इंडिविजुअली उन्होंने कैसे काम किया और एक टीम में एक कोलैबोरेशन के साथ उन्होंने कैसे काम किया। ये बहुत ज़रूरी है किसी भी कक्षा कक्ष के लिए कि ये एक माहौल रखा जाए कि हम किसी भी स्टूडेंट की व्यक्तिगत जो ज़रूरतें हैं उन तक भी पहुंच रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उसे ये मौका ज़रूर दे रहे हैं कि वो एक समूह में कैसे काम करे, यानी एक ग्रुप में कैसे काम करे। तो अच्छा उदाहरण था प्रगति जी द्वारा कि सेम ही क्लास में सेम ही लेसन पढ़ाते हुए आपने पहले इंडिविजुअल एक्टिविटी का मौका भी दिया और फिर आपने उसे ग्रुप बेस्ड एक्टिविटी का मौका भी दिया है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि शिक्षक को जब भी क्लासरूम में एडजस्टमेंट करने के लिए दिमाग में आती है ये वो चीज़, तो उसे ये ध्यान में रखना होगा कि मटेरियल रिक्वायरमेंट क्लास के अंदर क्या है। माने अगर मेरी क्लास में वो बच्चे हैं जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, तो मेरी रिक्वायरमेंट भी बदल जाएगी। आपकी क्लास में अगर एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है तो आपको उस किताब का अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा जो ब्रेल भाषा में लिखा जाता है, ताकि वो बच्चा स्वयं उस किताब का प्रयोग कर सके। इसी तरीके से जैसे हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, स्पेशली जब हम विजुअली इम्पेयर्ड की बात कर रहे हैं कि वो लोग सेंसेस से, उनका टैक्टाइल सेंस जो होता है, जो हम छूने की जो क्षमता होती है, उससे जो सीखने की क्षमता है उस बच्चे की ज़्यादा होती है। माने अगर चार सेंसेस हैं, एक सेंस को कम किया गया तो किसी और सेंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया गया। तभी अब प्रधानमंत्री जी ने जो इन बच्चों को एक नया नाम दिया है, दिव्यांग कह रहे हैं, वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि एक अंग अगर कम है तो उसकी क्षमता जो है वो किसी दूसरे अंग में बढ़ जाती है। तो जैसे हम बात कर रहे थे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों की, कि उनका टैक्टाइल सेंस जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो यहाँ पर मुझे मेरे टीचिंग एड्स भी उस हिसाब से ज़रूर बनाने पड़ेंगे कि उन बच्चों तक मैं पहुँच सकूँ जो बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड हैं। आप हो सकता है उनके लिए अलग अलग शीट्स बना रहे हैं जिसके ऊपर आपने अलग अलग टेक्स्चर के पेपर यूज़ किए हुए हैं, मार्केट में इतने सारे पेपर्स अवेलेबल हैं, कपड़े इतने सारे, फैब्रिक इतना सारा अवेलेबल है, और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च होंगे यदि मैं वो इच्छा रखती हूँ और मैं सोच रखती हूँ उस तरह की। आप किसी भी टेलर के पास जाइए जिसके पास वो सब कतरने बच जाती हैं, और वो कतरने वो उसके किसी काम की नहीं होती, आमतौर पर वो कतरने कूड़े के ढेर में ही जाती हैं और फिर हमारे एनवायरमेंट को भी और ख़राब करती हैं। तो आप वहाँ से वो कतरन उठा लीजिए और उसके आपने अलग अलग टेक्स्चर की अलग अलग कतरने एक पेपर पर लगा करके बच्चे को सिखाने की कोशिश करिए, तो आप सॉफ्ट, रफ, स्मूथ, इस तरह के टेक्सचर्स जो है आप वहीं से दे सकते हैं। लेकिन ये सब मटेरियल रिक्वायरमेंट जो है ये हम तभी कर पाएंगे अगर मैंने वो सोच रखी हुई है कि मुझे उस तरह की सेंसिटिविटी रखनी है। हाँ, इसके साथ ये बात ज़रूर है कि हमें ये भी देखना पड़ता है कि स्कूल के पास किस किस तरह के संसाधन उपलब्ध हैं। कई बार स्कूल में संसाधनों की कमी होती है तो हर चीज़ मार्केट से जा करके नहीं खरीदी जा सकती, तब हमें अपने ही स्रोतों के बीच में निकाल करके लाना होगा कि आप किस तरह के अरेंजमेंट करें कि आप बच्चों की सभी नीड्स को भी पूरा कर रहे हैं और उसे कम से कम आर्थिक संसाधनों की ज़रूरत पड़े। तो ये सारे बिंदु थे जो बात हम कर रहे थे कि क्लासरूम एडजस्टमेंट में, चाहे आप उसमें प्लानिंग की बात कर लीजिए, चाहे आप कोऑर्डिनेशन की बात कर लीजिए, चाहे आप बता लीजिए कि टीचिंग इंडिविजुअल नीड्स पे बेस्ड है या हमें टीचिंग ग्रुप्स में करनी चाहिए, या मटेरियल रिक्वायरमेंट की। इसके बाद जो मैं आगे बढ़ूंगी और जो मुझे लगता है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है या संसाधन है, वो होता है क्लासरूम के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं। और वो ह्यूमन रिसोर्सेज कौन से हैं? वो शिक्षक के अलावा वो सारे के सारे बच्चे भी हैं जो क्लास के अंदर उन बच्चों के साथ ही पढ़ रहे हैं जिनकी कुछ विशिष्ट आवश्यकताएँ हैं। अब अगर एक शिक्षक थोड़ा सा भी स्ट्रांग है और थोड़ा सा भी सेंसिटिविटी रखता है, बार बार ये शब्द मुंह से निकलता है कि सेंसिटिविटी अगर रखता है, तो वो आम तौर पे क्लास के अंदर इस तरह का माहौल भी बनाएगा कि बच्चे एक दूसरे से भी सीख सकें। इसका फ़ायदा क्या होता है कि बच्चे एक तो एक दूसरे से सीखते हैं तो कई बार बेहतर सीखते हैं, साथ ही साथ जो बच्चा सिखा रहा है उसका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो भी इम्प्रूव होता है,
और साथ ही साथ जो तीसरा और एक और इम्पॉर्टेंट बिंदु है कि शिक्षक को भी थोड़ा सा एक स्पेस मिल जाता है कि वो थोड़ा सा अपने आप को कहीं रिलैक्स कर सके या थोड़ा सा एक बैक सीट ले सके। हम रिलैक्स तो शिक्षक क्लासरूम में जब तक है मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी कर सकता है, चाहे ग्रुप एक्टिविटी हो रही हो चाहे बच्चे खुद भी पढ़ रहे हो तब भी, लेकिन हाँ एक स्पेस ज़रूर मिल जाता है क्योंकि आमतौर पर शिक्षक जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होता है क्लासरूम में, ब्रीदिंग स्पेस भी नहीं मिलता। तो अगर शिक्षक बच्चों को ही एंगेज कर देता है टीचिंग में और उन बच्चों को पढ़ाने में जो किसी भी तरह से जिनकी क्षमता थोड़ी सी अलग है या ज़्यादा है या सीमित है, तो फिर उस बच्चे के लिए भी फ़ायदा है जो सीमित क्षमताओं वाला है और उस बच्चे के लिए भी फ़ायदा है जो यहाँ एक शिक्षक की भूमिका निभा रहा है। इसकी अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं जो अलग अलग लोगों ने बनाई हैं और अलग अलग तरीके से यूज़ करी जा रही हैं। उनमें से कुछ दो प्रमुख स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनका जिक्र मैं यहाँ ज़रूर करना चाहूँगी, एक जिसे हम कहते हैं पीयर ट्यूटरिंग और दूसरा जिसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। पीयर ट्यूटरिंग यानी जब पीयर्स एक दूसरे को पढ़ा रहे होते हैं। अब अगर यहाँ हम अगर आपने सुना हो तो वाइगोत्स्की जी का जिक्र ज़रूर करना चाहेंगे। वाइगोत्स्की जी कहते थे कि जो आप अपनी उम्र के बच्चों से सीखते हो और जो आप शिक्षक से सीखते हो, एक तरफ ये एक उदाहरण है और दूसरी तरफ एक और सिचुएशन है जहाँ पर उस बच्चे को उसकी उम्र से बड़े उम्र के बच्चों के साथ अगर छोड़ दिया जाता है या उसकी क्षमता से ज़्यादा क्षमता वाले बच्चों के साथ छोड़ दिया जाता है, तो इस सिचुएशन में जो लर्निंग है वो इस सिचुएशन के मुकाबले ज़्यादा होती है। पहली सिचुएशन कौन सी थी, जब शिक्षक से बच्चा पढ़ रहा था, और दूसरी सिचुएशन कौन सी है कि जब वो बाकी बच्चों से जो उसकी क्षमता से ऊपर हैं या उससे उम्र में बड़े हैं, दोनों अगर हम सेटिंग्स में बच्चों को छोड़ देते हैं तो यहाँ पर लर्निंग जो है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसको उन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का नाम भी दिया था। उसका कारण ये था कि यहाँ पर जो एक इमोशनल डिस्टेंस टीचर के साथ आता है या जो एक सोशल डिस्टेंस हम टीचर के साथ महसूस कर पाते हैं वहाँ ये ख़त्म हो जाता है। जब बच्चा अपने हम उम्र बच्चों के साथ होता है तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। तो अगर आप एक बड़ी उम्र के बच्चे को या अधिक ज़्यादा क्षमता वाले बच्चों को, जैसे एक चर्चा के दौरान ये बात हो रही थी कि एक स्कूल में पूरा ये एक बाकायदा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फॉर्मल तरीके से किया, तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि क्लास एट्थ के बच्चे लिए और वो असेंबली के पीरियड के टाइम पर के क्लास सेवन्थ के बच्चों को जो क्षमता में किसी भी तरीके से सीमित थे उन बच्चों को एक सब्जेक्ट पढ़ाते थे। तो हर बच्चे के साथ एक स्टूडेंट जो है वो अटैच कर दिया गया था। ये वो बच्चा था जिसकी ज़रूरतें कुछ विशिष्ट थी और ये वो बच्चा था जो नॉर्मल था, सिर्फ उम्र में बड़ा था। तो जब यहाँ पर ये दोनों का काम शुरू हुआ तो इसका लेवल तो बढ़ने ही लगा, जो कि बच्चा जिसकी ज़रूरतें कुछ विशिष्ट थी, साथ ही साथ इस बच्चे का जो कंसेप्ट क्लैरिटी थी वो भी बढ़ी और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, जो आत्मविश्वास था इस बच्चे का जो बेहतर था क्षमताओं में, वो और बढ़ा। तो ये जो पीयर ट्यूटरिंग का एक तरीका है ये मुझे लगता है कि शिक्षक को क्लासरूम में ज़रूर यूज़ करना चाहिए ताकि वो बच्चों की और मदद कर सके। प्रगति, आपके पास ऐसा कोई उदाहरण है जहाँ पीयर ट्यूटरिंग यूज़ करी गई हो या कोऑपरेटिव लर्निंग की कोई स्ट्रैटेजी यूज़ की गई हो कक्षा कक्ष में? जी बिल्कुल मैम, मैं कहना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा अभी कि जब टीचर एक एंटर होती है क्लासरूम में तो उससे अपना जो क्लासरूम है वो टीचर सेंटर्ड ना बनाते हुए अगर वो स्टूडेंट सेंटर्ड बनाती है अपना क्लासरूम तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव पड़ता है। जैसे अगर टीचर एक ओपन एंडेड क्वेश्चन बच्चे के सामने रखती है, सिर्फ एक क्वेश्चन होता है कि एक तो आपने खुद ही आंसर दे दिया, आप तो जानते ही हैं, टीचर तो जानती ही है कि उसे क्या करना है, उन्होंने कितना पढ़ा हुआ है, पर वो बच्चे को पढ़ाने जा रही है। अगर वो बच्चों को पढ़ाने जा रही है तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन उस बच्चे से पूछे, जितना बच्चों से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं शायद बच्चों को मुझे लगता है उतना ज़्यादा समझ आता है, क्योंकि वो बच्चे जवाब देने के उसमें हो जाते हैं कि हाँ वो जवाब दे पा रहे हैं उस चीज़ का। अगर हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन बच्चे से पूछते हैं तो बच्चे उतना जवाब नहीं दे पाते। जैसा हमने अभी कहा कि पीयर ट्यूटरिंग में भी यही आता है, अगर हम बच्चों को साथ में बिठा के ये करें कि हाँ जो चीज़ आपको समझ आ रही है कैसे समझ आई वो पूरी क्लास को समझाओ या अपने पार्टनर को समझाओ या अपने पार्टनर को हेल्प कर दो उस चीज़ में, तो एक तो इसके अंदर मैं कहना चाहूँगी कि बच्चे में दो चीज़ें आती हैं, पहले आती है केयरिंग और दूसरी आती है रिस्पेक्ट। केयरिंग में बच्चा समझता है चीज़ को कि उसे किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है और वो उसे क्या चीज़ की ज़्यादा केयर करनी चाहिए,
और रिस्पेक्ट कि हाँ जब वो एक इंसान से समझ रहा है, छोटे बड़े होने का, जैसे मैम ने अभी बताया सेवन्थ और एट स्टैंडर्ड के, कि दोनों को साथ बढ़ा दिया, दो वो दोनों एज में डिफरेंट थे, छोटे बड़े होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क ये पड़ता है कि बच्चे को कितना समझ आ रहा है। तो जैसे मैम ने कहा कि हाँ कि सिक्स सेवन्थ और एट्थ को एक साथ बिठा दिया, अगर सेवन्थ और एट्थ को एक साथ बिठा दिया है, वो चीज़ टीचर सेंटर्ड ना होते हुए वो चीज़ स्टूडेंट सेंटर्ड होगी, कि बच्चे अपने ही साथ में बैठ के और चीज़ उस चीज़ को समझा पा रहे हैं दूसरे बच्चे को भी। ये अच्छा उदाहरण था, ये पीयर ट्यूटरिंग का एक उदाहरण था, जब हमने एक उम्र के बच्चों के साथ, एक एक बच्चे के साथ एक एक बच्चा जोड़ दिया है या एक पेयर बना दिया है। साथ ही साथ एक और तरीका होता है जिसमें कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। देखिए, पीयर ट्यूटरिंग और कोऑपरेटिव लर्निंग में फ़र्क क्या आएगा कि पीयर ट्यूटरिंग जो थी उसमें एक पढ़ा रहा है और दूसरा पढ़ रहा है, कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है कि सब के सब इकट्ठे पढ़ रहे हैं। हो सकता है पेयर में करें और हो सकता है कि हम इसे ग्रुप में भी करें। इसमें क्या किया जाता है कि दो बच्चों का या दो से अधिक बच्चों का एक ग्रुप बना दिया जाता है, एक कॉमन टास्क दे दिया जाता है कि ये हमने पढ़ना है, लेकिन एक दूसरे की मदद से, एक दूसरे की कोऑपरेशन से। सो कोशिश ये रहती है कि असेसमेंट भी इसी तरीके से करी जाए कि पूरे ग्रुप को मार्क्स मिलेंगे, एक बच्चे को नहीं मिलेंगे, या पूरे ग्रुप की असेसमेंट इकट्ठे करी जाएगी। तो कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव लर्निंग, नाम से ही जैसे समझ में आता है कि ये तरह की जो लर्निंग है कोऑपरेशन को बहुत ज़्यादा एनकरेज करती है। अब ये कामगर कब होगी, जब शिक्षक जब वो ग्रुप्स बना रहा है जिसके अंदर वो कोऑपरेटिव लर्निंग करवाना चाह रहा है, वो उसने कितने ध्यान से बनाए हैं। अगर मैंने क्लास में आकर के कहा कि चलो अपने आप को चार चार पाँच पाँच में समूह में बांट लीजिए, तो क्या होगा इसमें कि जो जो फ्रेंड्स होंगे या जो आपस में दोस्त होंगे वो सब एक तरफ आ जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि क्लास में वो बच्चा जो शायद दोस्ती नहीं कर पाता सबके साथ, या जो क्षमताओं में थोड़ा सा पीछे है, वो कहीं साइडलाइन रह जाता है, तो वो सारे बच्चे, ऐसे वाले ही सारे बच्चों का ग्रुप बनना पड़ता है। लेकिन अगर इसी के विपरीत अगर शिक्षक क्लास में आता है और वो सोच करके आया है कि मैंने किसको किस ग्रुप के साथ बिठाना है, तो वो ग्रुप ऐसे बनाए जिसमें ऐसा बच्चा भी है जो क्षमताएं से जिसकी विकसित हैं, और उसमें वो बच्चा भी है जिसकी क्षमताएं थोड़ी सीमित भी हैं, उसमें वो बच्चा भी है जो बहुत बोलता है, लेकिन उसमें वो बच्चा भी है जो क्लास में थोड़ा कम बोलता है। तो अब क्या होगा कि जब हेट्रोजेनस ग्रुप होगा, होमोजेनस ग्रुप नहीं होगा, यानी अलग अलग क्षमताओं के और अलग अलग विपरीत पर्सनालिटीज़ के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, तो वो एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। उदाहरण के तौर पे लेंगे कि एक बार एक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक ने क्या किया कि उसने अलग अलग धर्मों के बच्चों को इकट्ठे एक उसमें जोड़ दिया, एक समूह बनाया। उसके पीछे का कारण क्या था कि ताकि वो एक दूसरे के धर्म के बारे में ज़्यादा अच्छे से जान पाए। तो ये क्या होगा कि इससे एक आपसी सौहार्द का माहौल भी बनता है क्लासरूम के अंदर, कि एक दूसरे को बेहतर जानेंगे तो एक दूसरे के लिए जो परसेप्शंस बिल्ड ऑन हुए हुए हैं कि कुछ विपरीत जो अच्छे नहीं हैं, उस तरह के परसेप्शंस भी जो बिल्ड हुए हुए हैं वो भी टूटते हैं। क्योंकि आप जितना समय एक दूसरे के साथ बिताते हो उतना हमारा एक दूसरे को बेहतर जानने का हमें मौका मिलता है। तो ये एक तरीका और है जो मुझे लगता है कि क्लासरूम में शिक्षक जो है अच्छे से यूज़ कर सकता है, जिसे हम पीयर ट्यूटरिंग का नाम देते हैं, उसी तरीके से कोऑपरेटिव लर्निंग का। लेकिन इन दोनों टेक्निक्स को डिस्कस करते हुए मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, चाहे हमने बच्चों को बना दिया हो यहाँ पर क्लासरूम सेंटर्ड बना दिया या लर्नर सेंटर्ड बना दिया या लर्निंग सेंटर्ड बना दिया, लेकिन किसी भी परिस्थिति में शिक्षक का काम ख़त्म नहीं होता। शिक्षक के काम का रूप अलग अलग हो सकता है, माने जैसे कोऑपरेटिव लर्निंग में वो शिक्षण नहीं कर रहा है लेकिन वो गाइड कर रहा है। तो जो बच्चे अलग अलग समूह में पढ़ रहे हैं तो वो हर एक ग्रुप में जा कर के देख रहा है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, डायरेक्शन अलग तो नहीं हो रही, वो सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, कहीं आपस में ऐसा तो नहीं कि बातचीत ज़्यादा हो रही है और काम कम हो रहा हो। तो ये सब चीज़ों का ध्यान क्योंकि शिक्षक को रखना पड़ता है तो उसका रूप अलग हो जाता है, लेकिन कभी भी शिक्षक का कार्य क्लासरूम के अंदर ख़त्म नहीं होता। प्रगति, आपको जोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, मैं बताना चाहूँगी, जैसे आपने अभी कहा कि बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है या पेयर्स में डिवाइड कर दिया है, ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल मैं आपके सामने बताना चाहूँगी कि बच्चों को एक चैप्टर पढ़ाने से पहले कुछ उसके अंदर टॉपिक थे, हिस्ट्री का ही चैप्टर था, जैसे उसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया, उसके अंदर अशोका जी के बारे में बताया गया, उसके बाद उनकी फैमिलीज़ के बारे में बताया गया। तो इस चीज़ में जैसे मैम ने बोला अभी कि हाँ हमने सारे बच्चों से
डिवाइड तो कर दिया, पर हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि बच्चों का सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। जैसे आजकल सब बच्चे बोलते हैं कि मैम ने उसको पार्टिसिपेट करवा दिया पर हमें छोड़ दिया। अगर हम ऐसे काम करेंगे तो हर एक बच्चा पहली चीज़ पार्टिसिपेट करेगा, हर बच्चा अपने आप को इन्हांस करेगा, हर बच्चा अपने आप को इनक्रेज करेगा और हर बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। अगर वो स्टेज पे, अगर हम एक ही बच्चे को लेते हुए कॉन्फिडेंस लेवल उसी बच्चे का बस बढ़ाते जाए तो उस बच्चे से सिर्फ हम एक ही बच्चे के ऊपर फोकस डाल रहे हैं। अगर हम हर एक बच्चे को लेके और उसका फोकस आगे बढ़ाते जाए और उसका कॉन्फिडेंस लेवल आगे बढ़ाए तो इससे ये पता चलता है कि हम एक बच्चे पे ना फोकस करते हुए हर एक बच्चे पे फोकस करते हैं। क्योंकि आप जो भी बढ़ाते हैं बच्चा घर में जाके ज़रूर बताता है कि आज स्कूल में ये हुआ, आज स्कूल में ये हुआ। जब हर एक बच्चा जाके स्कूल के बारे में बताएगा कि हाँ आज हमने भी पार्टिसिपेट करा, आज हमने भी पार्टिसिपेट करा, तो इससे एक तो पेरेंट की सेटिस्फैक्शन होती है कि हाँ हमारे बच्चों ने वहाँ पे काम किया है, और एक बच्चे की भी सेटिस्फैक्शन होती है कि हाँ मैं कुछ कर पाया। इसके अंदर जैसे मैं एग्जाम्पल दे रही थी कि जब मैंने ये चीज़ दिया तो ये एक स्किट के थ्रू दिया कि आप सबको एक एंकर रखना है, एक आपको चंद्रगुप्त मौर्य बनाना है, आपको एक अशोका बनाना है और उन सबके डायलॉग्स उन लोगों को खुद ही चूज़ करके उस चीज़ को प्रेजेंट करना था। तो ऐसे ही बच्चों ने प्रेजेंट किया, सबका पार्टिसिपेशन हुआ, सब खुश हुए और उनको जो मेन टॉपिक था कि चैप्टर समझ आ जाए वो चैप्टर भी समझ आ गया, वो चीज़ बोरिंग ना बनते हुए इंटरेस्ट में बन गई और बच्चे को ये भी पता चल गया कि चंद्रगुप्ता मौर्य कौन होते हैं, अशोका कौन होते हैं, उनके अंदर बिंदुसार कौन थे। ऐसे ही अगर हम बच्चे को, ये एक एग्जांपल था, अगर दूसरा एग्जांपल टीचर सिर्फ जाके सिर्फ रीड ना करे कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन होता है और वो खुद ही चंद्रगुप्त मौर्य बन के अंदर जाए तो वो एक टीचर सेंटर तो होगा पर बच्चा भी उस चीज़ से समझेगा कि हाँ मैम क्या बताना चाह रही हैं और उस चीज़ को थोड़ा इंटरेस्ट में लेगा। जैसे मैम ने अभी बोला कि पैर में डिवाइड करना, जैसे अगर हम स्किट में डिवाइड करते हैं तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि बच्चों का पार्टिसिपेशन उसके अंदर बहुत अच्छा हुआ था, बच्चे अच्छे से अपने आप को कॉन्फिडेंस लेवल में ला पा रहे थे और अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे थे जो भी उनको एक एक टॉपिक मिला था जिस चीज़ के लिए। ये बात हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है और हमें इस बात को कहीं ना कहीं अपने अंदर सार करना चाहिए कि जब हम शिक्षण के लिए क्लासरूम के अंदर जाते हैं तो हमारे शिक्षण का उद्देश्य सिर्फ वो विषय वस्तु पढ़ाना नहीं होता, आप सिर्फ वो कंटेंट डिलीवर करने नहीं जाते, आप बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जाते हैं, यानी उसका विकास हो और हर स्तर पर उसका विकास हो। तो ये जो जितने भी हम सोशल स्किल्स की बात कर रहे हैं या हम आत्मविश्वास की बात करते हैं या हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस होल गेम ऑफ टीचिंग की, यानी शिक्षण करने जा रहे हैं तो ये सब चीज़ों का विकास करना भी मेरा ही काम है। और वो शिक्षण की अलग अलग विधियों से अगर आप करते हैं तो वो बच्चे के लिए ऑटोमेटिकली होगा, आपको उसके लिए कुछ अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ शिक्षक की भूमिका ही हमेशा ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है कि वो किस तरह के माहौल क्लासरूम के अंदर बना करके रखता है। ये वो एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि मैं हमेशा, शायद हर चर्चा में ये बात ज़रूर होती होगी कि शिक्षक के ऊपर बहुत निर्भर करता है कि वो क्लासरूम के अंदर कैसा सामाजिक माहौल बनाता है और कैसा संवेगात्मक माहौल बना करके रखता है। यदि क्लासरूम के अंदर जो एक सामाजिक माहौल और संवेगात्मक माहौल एक पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है तो उसका इम्पैक्ट बच्चे के लर्निंग पर भी आता है और बच्चे के बाकी डेवलपमेंट्स पर भी आता है। जब आपकी क्लास में विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालक हैं तो आपको इस बात का ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा बजाय कि एक नॉर्मल क्लासरूम की टीचर को, क्योंकि आपकी क्लासरूम में वो बच्चे हैं जिनकी आवश्यकताएं विशिष्ट हैं, वो हो सकता है किसी तरह के कॉम्प्लेक्स से भी ग्रसित हो या किसी तरह की हीन भावना भी उनके अंदर हो जो बहुत नेचुरल है, उसमें कुछ इतना अप्रिय होने वाली बात या अचरज होने वाली बात नहीं लगती क्योंकि आप क्षमता से सीमित हैं तो आपके अंदर उस तरह की भावना आना बहुत नेचुरल है। तो यहाँ शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है कि वो ऐसा माहौल बनाए कि उस बच्चे की वो हीन भावना जो है वो भी धीरे धीरे कम हो और फिर ख़त्म हो जाए, क्योंकि हीन भावना जब तक रहेगी तब तक वो लर्निंग भी उतनी कारगर या उतनी क्षमता और उतनी इफ़ेक्टिवली नहीं होती जितने की तब होती जब एक नॉर्मल क्लासरूम एक नॉर्मल माहौल के साथ चल रहा होता है। तो यहाँ पर चर्चा को फिर एक छोटा सा विराम देंगे और इस चर्चा में वापस आपके साथ जुड़ेंगे थोड़े से छोटे से ब्रेक के बाद। स्वयं प्रभा, डिजिटल इंडिया, एजुकेटेड इंडिया। शिक्षकों का शिक्षा से थोड़ा और परिचय करवाने का समय।
शिक्षकों का शिक्षा के नए आयामों को समझने का समय। इस ध्येय में जन विकास हो, राष्ट्र का बेहतर निर्माण हो, इसी दिशा में आपके साथ कदम दर कदम साथ देता DTH स्वयं प्रभा वाग्दा चैनल 32। शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण को नई दिशा देने में तत्पर वाग्दा चैनल अब DD डायरेक्ट प्लस डिश से सीधे आपके द्वार डिश टीवी के चैनल नंबर 2032 पर। टीवी पर पढ़ो, ये हमने प्लेटफॉर्म नया दिया स्वयं का, कि आपको घर बैठे शिक्षा पाओगे, आपके ऑनलाइन होगा ऑफलाइन भी है। भारत ने आधुनिक तकनीक के सहायता से टीचर के प्रशिक्षण करके छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक भरसक प्रयास किया है। मानव संसाधन मंत्रालय की नीतियों में शिक्षक शिक्षा के लिए NIOS और इग्नू का संयुक्त साझा प्रयास वाग्दा चैनल। भारतवर्ष के प्रत्येक राज्यों से सम्मानित शिक्षक शिक्षा विद्वानों की निगरानी में निर्मित उन्नत और रुचिकर दृश्य कार्यक्रम DD के चैनल्स में डायरेक्ट टू होम चैनल्स 32 लॉन्च किए गए हैं। 32वां चैनल शिक्षक प्रशिक्षण का है। इस पर आपके कोर्स से संबंधित कार्यक्रम अर्थात चुने हुए शिक्षकों का लेक्चर प्रसारित हो रहा है। शिक्षक शिक्षा विशेषकर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का 24/7 प्रसारण, रोजाना नए कार्यक्रमों का प्रसारण, शिक्षकों के प्रशिक्षण को समर्पित वाग्दा चैनल 32 की निश्चित देशव्यापी पहुंच। NIOS वेबसाइट के साथ साथ स्वयं प्रभा पोर्टल, स्वयं पोर्टल और मोबाइल ऐप से भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के कार्यक्रमों की निश्चित उपलब्धता। शिक्षक ही लिखेंगे नई परिभाषा, सार्थक समर्थ शिक्षा की भाषा। प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला।
परीक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बात का शिक्षार्थियों, चर्चा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम चर्चा को आगे लेकर के जाएंगे, हम बात कर रहे थे इससे पहले क्लासरूम एडजस्टमेंट वगैरह की और टीचिंग लर्निंग मटेरियल की कि किस तरीके का क्लासरूम में यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ एक संक्षिप्त में अगर बात करें कि किस तरह का टीचिंग लर्निंग मटीरियल या टीचिंग लर्निंग मटीरियल यूज़ करते हुए कौन सी बातों का शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए, तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि एज अप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग मटीरियल आप क्लासरूम के अंदर यूज़ कर रहे हैं, एज के साथ साथ क्षमता के हिसाब से भी जो अप्रोप्रिएट हो। माने कुछ मैं फैंसी सा कुछ एक टीचिंग एड बना करके लेकर आ जाती हूँ जिसमें सर्किट्स भी हैं, लाइट भी जलती है, सब कुछ है, लेकिन अगर वो बच्चे के समझ ही नहीं आ रहा तो उस टीचिंग एड का कोई खास फ़ायदा नहीं होगा कक्षा कक्ष के अंदर। तो हमेशा शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि आप चाहे एक नॉर्मल क्लासरूम में जा रहे हैं, चाहे आप उस कक्षा कक्ष में जा रहे हैं जहाँ कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालक हैं, तो आपको टीचिंग एड ऐसा लेकर के जाना चाहिए या टीचिंग लर्निंग मटीरियल भी आपका ऐसा होना चाहिए जो एज अप्रोप्रिएट हो। साथ ही साथ आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपको ऐसे ऑप्शन दे कि आप बच्चों को एक्टिवली क्लासरूम के अंदर पार्टिसिपेट करा पाएँ। जितनी ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन के मौके आप बच्चों को देंगे, लर्निंग का स्तर जो होता है वो उतना ही बेटर होता है। तो अगर आपकी लर्निंग का तरीका ऐसा है या आपके टीचिंग लर्निंग मटीरियल ऐसा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पार्टिसिपेट करा पाते हैं क्लासरूम के अंदर, तो वो उसका जो इफ़ेक्ट आएगा वो ज़्यादा आएगा। इसी तरीके से आपका जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो इस तरीके से बना हुआ होना चाहिए कि उसका क्रिएटिव यूज़ किया जा सके। माने एक ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ एक ही क्लासरूम में उसे पढ़ा पा रही हूँ या यूज़ कर पा रही हूँ, उसी चीज़ को मैं किसी और क्लासरूम में भी ले जा कर के यूज़ कर पाऊँ या किसी और विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए भी मैं उसका यूज़ कर पाऊँ। साथ ही साथ शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो मुझे मिल जाएगा, माने एक्सेसिबिलिटी उसकी है या नहीं है, अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। मैं सोच लेती हूँ कुछ फैंसी सा और मैं एक ऐसी जगह पे पढ़ा रही हूँ जो शायद शहर से थोड़ा सा दूर है, तो हो सकता है उस तरह का टीचिंग एड अरेंज करने में भी मुझसे मुश्किल हो। तो आप इस तरीके का टीचिंग एड यूज़ कीजिए या टीचिंग लर्निंग मटेरियल इस तरीके का यूज़ कीजिए जो आपके आसपास के स्रोतों में आसानी से मिल जाए और ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो। जितना कम पैसे लगेंगे उतना ही आसान हो जाएगा उन चीज़ों को अरेंज करना, आमतौर पर, हमेशा तो नहीं लेकिन आमतौर पर अगर फिनेंशियल साधन आसान हो, कम हो, तो वो इजीली अरेंज कर पाते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि जब भी हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हैं कि आपके पास ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग का ऑप्शन रहे। माने एक सिचुएशन में जो बच्चा चीज़ सीखता है और दूसरी सिचुएशन में सीखता है तो उसको वहाँ से वहाँ वो ट्रांसफ़र कर पाए। कई बार क्या होता है कि हम बच्चों को सिखाते पढ़ाते इस तरीके से कि एडिशन भी आ गया, उसको सब्सट्रैक्शन भी आ गया, लेकिन सपोज़ उसे वर्ड प्रॉब्लम्स देते हैं करने के लिए तो वो वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एडिशन सब्सट्रैक्शन तो उसे आ गया लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन को जब हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं ट्रेनिंग को कि वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो वो चीज़ वो नहीं कर पा रहा है। तो ये शिक्षक को ध्यान रखना होगा कि जब भी वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल बना रहा है या यूज़ कर रहा है या किसी भी तरीके के ICT मोड को यूज़ कर रहा है, तो वो एज अप्रोप्रिएट हो, उससे हम बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन करा पाएँ, क्रिएटिव यूज़ कर पाएँ उसका, उसकी अवेलेबिलिटी हो, वो लेवल अप्रोप्रिएट हो, एज अप्रोप्रिएट, लेवल अप्रोप्रिएट, और साथ ही साथ उसमें ऑप्शंस हो कि आप ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग कर पाएँ। यहाँ से चर्चा को और आगे लेकर जाते हुए हम मुख्यतः बात करेंगे ICT की जो हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के साथ यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमें ध्यान रखना होगा कि आज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है समाज के बाकी अलग पक्षों के लिए, उसी तरीके से टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट जो है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के साथ भी हुआ है। अब मार्केट में बहुत तरह के असिस्टिव डिवाइसेस अवेलेबल हैं जो हम बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं
यस, उसमें एक इकोनॉमिक साधन ज़रूर इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि जनरली इस तरह के जो टीचिंग एड्स होते हैं या इस तरह के आईसीटी बेस्ड एड्स और अप्लायंसेज होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इसके लिए भी सरकार अलग अलग तरह के अनुदान भी देती है और अलग अलग तरह की आर्थिक मदद भी करती है। तो आप वो सब चीज़ों को यूज़ करते हुए स्कूल के अंदर इस तरह के अरेंजमेंट्स कर सकते हैं कि आप अलग अलग तरह के एड्स, अलग अलग तरह के अप्लायंसेज जो हैं स्कूल के अंदर प्रोवाइड करें, साथ ही साथ टीचिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से करें। यहाँ पर हम अभी ब्रेक के दौरान भी मैं और प्रगति जी यही बात कर रहे थे कि जब आप टीचिंग टेक्नोलॉजी से करते हो तो उसका इफ़ेक्ट जो है कंपेयर टू नॉर्मल ब्लैक बोर्ड टीचिंग, उसका इफ़ेक्ट जो है आमतौर पर ज़्यादा देखा गया है। अब हर स्कूल कोशिश करता है कि वो स्मार्ट बोर्ड्स लेकर के आए, स्मार्ट बोर्ड्स के द्वारा बच्चों को पढ़ाए। तो ये बहुत सारी जो विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं, जैसे अगर हम ऑटिस्टिक बच्चों की बात करते हैं तो ऑटिस्टिक बच्चे टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। ये कैटेगोरिकली सिर्फ कहने की बात नहीं है, रिसर्च के द्वारा ऐसा देखा गया है, शोध के द्वारा ऐसा देखा गया कि ऑटिस्टिक बच्चे जो है टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आपको आपकी टीचिंग में टेक्नोलॉजी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन हाँ ये ध्यान देते हुए कि वो एक खंडन ना बने या वो एक विघ्न ना बने नॉर्मल लर्निंग के अंदर। आई होप प्रगति तुम्हारे पास कोई ना कोई उदाहरण ज़रूर होगा कक्षा कक्ष से यहाँ पर। बिल्कुल मैम, जैसे आपने अभी कहा कि बच्चों को ट्रांसफ़र करते हैं नॉलेज, तो ट्रांसफ़र वाली नॉलेज के लिए मैं कहना चाहूँगी कि हाँ बच्चे नॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, और टीचर्स के लिए भी होता है, कई टीचर्स के लिए चीज़ डिफ़िकल्ट बन जाती है कि हम अपने टाइम को मैनेज कैसे करें, क्योंकि आप टीचिंग एड्स भी बनाते हैं, आजकल सब अपने घर के काम में ही बिज़ी होते हैं, अपने स्कूल के काम में ही बिज़ी होते हैं, पर आप उस काम को जिस हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं वो सबसे ज़्यादा एक टीचर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। कि टाइम मैनेजमेंट के लिए जैसे अब टीचर को टीचिंग एड्स भी बनाने होते हैं और उन्हें बच्चों के सामने वो चीज़ प्रेजेंट भी करनी होती है, आजकल स्मार्ट बोर्ड्स भी आ गए हैं, तो हम सोचते हैं कि कुछ हम खुद भी बताएं और कुछ स्मार्ट बोर्ड को भी दिखाएं। तो कई टीचर्स होती हैं जो बोलती हैं कि हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, पर मुझे ऐसा लगता है जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ स्मार्ट बोर्ड से या वर्किंग मॉडल से या मैं बोलूँगी अपने टीचिंग एड से, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चों को हम पढ़ा रहे होते हैं इन सब चीज़ों से तो बच्चों को एक तो बहुत अच्छा समझ आता है, दूसरी चीज़ कि जब हम अपना मैनेज टाइम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिलेबस भी कंप्लीट करवाना होता है, क्लास भी हमें इंटरेस्टिंग बनानी होती है, क्रिएटिविटी भी दिखानी होती है, और हम ये भी चाहते हैं कि बच्चे को समझ भी आ जाए, वो इवैल्यूएशन में अच्छे मार्क्स भी ले। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है एक टाइम मैनेजमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपका टाइम मैनेज्ड है, आपके पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल है और आप उस चीज़ को और बेहतर बना सकते हैं, तो ये सबसे पहली चीज़ होती है कि आप उन सब चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं। वंस यू हैव मैनेज ईच एंड एवरीथिंग, व्हाट आई फील कि देन योर ओन क्लासरूम, आपकी खुद की क्लासरूम सबसे अच्छी क्रिएटिविटी में होगी, सबसे ज़्यादा इन्हांस्ड होगी, और हाँ बच्चे भी उस चीज़ में और अच्छा जवाब दे पाएंगे और अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे इस चीज़ को लेके। जैसे मैम ने अभी बोला कि ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज में भी हमें ग्रुपिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो बच्चे ट्रांसफ़र जब ही कर पाते हैं जब वो खुद समझ पाते हैं उस चीज़ को। हाँ कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं, थोड़ा धीरे समझ पाते हैं उस चीज़ को, पर अगर उसी तरीके से टीचर अपने प्लान करे चीज़ों को और आगे बढ़े और मैनेज करे, प्लस अथॉरिटी को इस चीज़ के बारे में बताए, एसोसिएशन जहाँ मैं काम कर रही हूँ मुझे भी ऐसा लगता है कि जब मैं काम कर रही होती हूँ मेरे साथ चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी अथॉरिटी है वो हमें चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, और ऐसी बहुत सी अथॉरिटीज़ हैं, बहुत सारे एसोसिएशन हैं जो स्कूल को अपने टीचर्स को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर पाते हैं, जिससे वो स्कूल को तो इन्हांस करते ही हैं और आगे बढ़ाते हैं उन चीज़ों को, कि वो आगे बढ़ के, क्योंकि हर एक बच्चा जब कुछ भी करता है क्लास में, इनफैक्ट हम भी कुछ करते हैं तो हम घर में जाके डिस्कस करते हैं उस चीज़ को, तो बच्चा कुछ भी करेगा घर में जाके बताएगा तो उससे पेरेंट को भी एक सेटिस्फैक्शन होती है कि हाँ बच्चा कुछ आज सीख कर आया है। तो ये एक मेरा पार्ट है कि हाँ कुछ भी चीज़ मैं करती हूँ उससे पहले मैं उस चीज़ को मैनेजमेंट करती हूँ कि मेरा टाइम कैसे मैनेज होना चाहिए और उसको मैं और कितना अच्छे से क्रिएटिविटी पार्ट में लेकर आ सकूँ।
अच्छे उदाहरण थे और इसमें कोई शक नहीं है कि जब तक ऊपर से अथॉरिटीज का सपोर्ट नहीं होगा और आपके पास आर्थिक संसाधन नहीं होंगे तब तक इस तरह के प्रयास जो है वो थोड़े से मुश्किल में आ जाते हैं। लेकिन फिर भी बार बार मैं ये चीज़ कहूँगी कि शिक्षक जो है अगर वो एक इच्छा रखता है तो वो कुछ ना कुछ तरीके निकालेगा कि जो भी आपके पास लिमिटेड संसाधन उपलब्ध हैं उसमें आप किस तरीके से उस चीज़ को और इफ़ेक्टिव बनाएं या उस चीज़ को और कारगर बनाएं। साथ ही साथ यहाँ जिक्र करना, क्योंकि हम बात करें टेक्नोलॉजी की और टेक्नोलॉजी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की बात करें, यानी विशिष्ट आवश्यकताओं वाले जो बालक हैं उनके लिए हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस तरीके से करें, तो अब मार्केट में इस तरह की चीज़ें भी अवेलेबल हैं जो, और बहुत सारे स्कूल्स ने इस तरह के कंप्यूटर लैब्स भी अरेंज किए हैं जहाँ अडेप्टेशन करी गई है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए। उदाहरण के तौर पे अब कंप्यूटर्स में ऐसे सॉफ्टवेयर्स डल जाते हैं जिन्हें विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। अब सुनने में थोड़ा अचरज लगता है क्योंकि कंप्यूटर पे तो सब कुछ स्क्रीन पे देख करके ही हम करते हैं, लेकिन ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें आप माइक्रोफोन्स अटैच्ड होते हैं कंप्यूटर के साथ और जो आपने बोला है उससे रिलेटेड कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाता है और फिर स्क्रीन से ऑडियो में वापस वो आपके पास आता है। तो आपका जो आप इनपुट डालना चाहते हैं वो भी डल रहा है माइक्रोफोन के द्वारा और जो आप आउटपुट चाह रहे हैं वो भी स्पीकर के द्वारा आपके पास आ रहा है। सी, जब भी टेक्नोलॉजी का विकास होता है तो वो हमेशा सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं होता है, उसको ये ज़रूर कोशिश करी जाती है कि हम उन लोगों की ज़िंदगी को या उन बच्चों के लिए लाइफ को थोड़ा सा और आसान बनाने की कोशिश करें जो किसी भी तरीके से जिनकी ज़रूरतें जो हैं थोड़ी सी अलग हैं या विशिष्ट हैं। इसी तरीके से अब टेक्नोलॉजी यहाँ तक लेकर के आ गई है जहाँ टॉकिंग बुक्स अवेलेबल हैं। आप एक ज़माना था जब विजुअली इम्पेयर्ड के लिए किसी भी अलग तरह की किताब नहीं हुआ करती थी। मुझे ध्यान है कि एक बहुत समय पहले की बात है, कुछ आज से 10-15 साल पहले की बात है, एक केस स्टडी दी गई थी जिसमें एक बच्ची थी जो 10th तक पहुँच गई थी और पढ़ाई में अच्छी थी, मेघावी छात्र थी, लेकिन ब्रेल में किताबें उपलब्ध नहीं थी 10वीं 12वीं की। तो वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे अपनी पढ़ाई को कैसे जारी रखे। तो उसकी माता क्या करती थी कि वो उनकी मदर जो थी वो सारी बुक्स को जो नॉर्मल बच्चों के लिए होती थी उसे ऑडियो रिकॉर्ड करती थी, वो पढ़ती थी और उसको रिकॉर्ड करती थी, फिर वो बच्ची उन सारी किताबों को सुनती थी और फिर वो बच्ची जो है अपने पेपर अटेम्प्ट कर पाती थी। पेपर के लिए ऑब्वियसली कोई ना कोई राइटर अवेलेबल होता था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, अच्छा एफर्ट था और जो साधन नहीं थे उसमें उसकी मदर ने जो बेस्ट पॉसिबल था वो किया, लेकिन इसमें बच्चे की अपनी इंडिपेंडेंस नहीं हो पाती है लर्निंग को लेकर के। तो धीरे धीरे इन चीज़ों को लेकर के विकास हुआ और फिर ब्रेल की भाषा का उपज हुई, जो हम सब जानते हैं कि ब्लाइंड जो है टेक्टाइल सेंस उनका स्ट्रांग होता है विजुअली इम्पेयर्ड का, तो उस टेक्टाइल सेंस को यूज़ करते हुए किताबें आई ब्रेल भाषा में और आज लगभग हर स्तर की किताबें जो हैं विजुअली इम्पेयर्ड के लिए अवेलेबल हैं ब्रेल भाषा में। इसी तरीके से आगे और जाएं, क्योंकि हमारे बच्चे बुक्स पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे नॉर्मल बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो इन बच्चों के लिए भी जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनके लिए टॉकिंग बुक्स आई, जो बुक्स बोलती हैं, तो जो कुछ भी लिखा हुआ है वो बोलता है। अगर आप एक बहुत छोटा सा उदाहरण लें कि कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ हम करते हैं, नॉर्मली हम सबके पास स्मार्टफोन्स हैं और स्मार्टफोन्स के ऊपर एक फ़ीचर होता है जिसे हम गूगल असिस्टेंट का नाम देते हैं, जिसमें आपको कुछ टाइप नहीं करना पड़ता है, आप सिर्फ मुंह से बोलते हैं, आपने कमांड दिया है कि मुझे फलाने नंबर सपोज डायल करना है या ड्राइवर का नंबर डायल करना है, तो वो नंबर डायल हो जाता है और फिर आप सीधा बात कर सकते हैं। तो यहाँ मुझे किसी भी तरीके की फिंगर्स का यूज़ नहीं करना पड़ा, ना देखने की ज़रूरत करनी पड़ी, मुझे सिर्फ जो बोलना था मैंने बोला और वो कार्य हो गया। तो ये टेक्नोलॉजी की ही है, टेक्नोलॉजी का ही विकास हो रहा है, लेकिन इसे हम बच्चों की शिक्षा के लिए कैसे यूज़ करें ये ज़रूर एक चीज़ है कि जो हमें शायद और ज़्यादा ध्यान से देखनी होगी, और जो इस क्षेत्र में शोध कर रहे हैं वो भी ये एवेन्यूज़ निकाल सकते हैं कि हम सेम चीज़ को क्लासरूम के अंदर यानी कक्षा कक्ष के अंदर किस तरीके से लेकर के आएँ। इसी तरीके से बहुत सारी व्हीलचेयर्स हैं जो बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, जिसमें बच्चा अपनी सारी ज़रूरतों को वो खुद ही पूरा कर पाएगा, तो ये सारी जो चीज़ें निकल करके आ रही हैं, या अगर सिंपल से केन्स भी देखते हैं तो जो पहले सिर्फ एक प्लास्टिक की या लकड़ी की एक डंडी पकड़ा दी जाती थी जिसको यूज़ करके विजुअली इम्पेयर्ड चला करते थे, जिसके द्वारा उन्हें मोबिलिटी ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन उम्र के साथ ये रियलाइज़ हुआ कि उसमें बहुत सारी सीमाएं थी, वो नहीं देख पाती थी कि आगे आने वाला खतरा है या क्या है, तो फिर फोल्डेबल केन स्टिक्स आने लगी। और अब जो है अगर आप देखें जानते हो तो सेंसरी केन स्टिक्स आती हैं, यानी उनके आगे एक लेज़र लाइट अटैच्ड है, तो जैसे वो ज़मीन पर पड़ी
उसकी कुछ दूरी में अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आने वाली है, चाहे वो कोई इंसान हो चाहे कोई पत्थर हो, तो वो जो है लेज़र लाइट जो है वो ऊपर सेंसेशन दे देती है, और जहाँ से उस बच्चे ने गेंद पकड़ी हुई, बच्चा या व्यक्ति ने गेंद पकड़ी है, तो उसके फिंगर्स में या उसकी पाम में उसे वो चीज़ महसूस हो जाती है. तो दैट इज़ अनदर वे ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी. सिंपल है, लेज़र लाइट को यूज़ किया है और उससे वाइब्रेशंस आ रही हैं और टैक्टाइल सेंस विजुअली इम्पेयर्ड के पास आ रहा है, और उससे वो एक मैसेज उसे मिल जाता है कि कुछ आगे ऑब्स्ट्रक्शन है तो मुझे उसी हिसाब से चलना है. तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के साथ. किसी भी तरीके से या किसी भी एफर्ट से हमारे वो बच्चे अलग नहीं दिखने चाहिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हम पर निर्भर हों या किसी पर भी निर्भर हों. अगर आपकी टेक्नोलॉजी इस लेवल तक हम लेकर के आ जाएंगे और टेक्नोलॉजी का यूज़ भी हम कक्षा कक्ष में करेंगे, तो आप वो मौके देंगे कि बच्चा जो है वो आत्मनिर्भर बन सके. देखिए, हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहें अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए. हम बिल्कुल चाहते हैं कि हम अपने मैक्सिमम कार्य खुद कर सकें, और ये सब तभी पॉसिबल होगा स्पेशली फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़, जब इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है एक तो बने और ऊपर से फिर वो एक्सेसिबिलिटी में आए, यानी वो लोग उसे ले भी पाए. अगर वो बहुत एक्सपेंसिव रही तो भी नहीं ले पाएंगे, या बहुत कुछ सीमित जगहों पे मिल रही होगी तो भी नहीं ले पाएंगे. तो ये सब चीज़ों को उस लेवल तक लेकर के आना पड़ेगा जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे लेकर यूज़ भी कर सकें. प्रगति, कुछ ऐड करना चाहोगे आप? बिल्कुल मैम, मैं आपको बताना चाहूँगी एक एग्ज़ाम्पल इसी चीज़ के लिए कि हाँ, कई बच्चे होते हैं जो देख नहीं पाते हैं, कहीं होते सुन नहीं पाते हैं, कहीं होते बोल नहीं पाते हैं. तो ऐसे ही एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें एक बच्चा देख नहीं पाता था, सुन पाता था और बोल पाता था. अगर वो देख नहीं पाता था तो वो लिखने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती थी उस चीज़ में. तो जैसे हर एक टीचर पढ़ाती है, हर टीचर का काम है बच्चे को समझाना, उसको ये चीज़ समझाना कि हाँ क्या चीज़ कैसे हुई, कब हुई, सब उस चैप्टर को इन्हांस करके सब कुछ एक इकट्ठा करके समझाती है टीचर. वैसे उस बच्चे को भी समझाया गया, पर जब बात आती है समझने के बाद इवैल्यूएशन की कि उस बच्चे का इवैल्यूएशन कैसे दिया जाए, तो इसी इवैल्यूएशन के बेस पर एक बच्चे को असिस्टेंट टीचर दे दिया गया कि उस बच्चे को समझ आ गया, सब उसने कर लिया. प्रॉब्लम आती है जैसे मैम ने बताया कि यहाँ पे आप बुक्स भी होती हैं जो स्पीकिंग बुक्स होती हैं जो बोल पाती हैं, और बच्चे को उस चीज़ से समझ भी आ जाता है. जैसे एग्जाम्पल गूगल का भी मैम ने दिया, वैसे ही एक बच्चे के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि वो बच्चे का इवैल्यूएशन का टाइम आया तो हमने उसको असिस्टेंट टीचर दे दिया, तो जैसे उन्होंने क्वेश्चन बताया तो वो बच्चा उस चीज़ को आंसर कर पा रहा था और असिस्टेंट टीचर उसकी जगह वो चीज़ लिख पा रही थी. तो इससे पता चलता है कि जब हमें एक बच्चे को आगे बढ़ाना होता है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिस चीज़ों से आजकल के टाइम में, तो आजकल के जनरेशन में बहुत चीज़ें आ रही हैं, बहुत चीज़ें डेवलप हो रही हैं जिससे हर कोई इंसान एक जगह ना बैठा रहे, वो भले स्पेशल नीड का हो या रेगुलर का हो. आजकल तो स्पेशल नीड के भी बहुत बहुत स्टूडेंट्स हैं जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही रेगुलर के भी हैं जो आगे बढ़ रहे हैं. पर जब एक स्पेशल स्टूडेंट आगे बढ़ता है तो स्कूल वालों को भी, जिस स्कूल से वो आगे बढ़ रहा है उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है. जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी, एक बच्चा है जो देख पाता है पर सुन और बोल नहीं पाता है, जैसे सुन नहीं बोल पाता है. अब उसने वो इतना अच्छा हो गया कि उसने 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम भी दिए और वो 91% भी लाया, जहाँ पे उन बच्चों के लिए जो ये स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट होते हैं अगर वो 45 भी लाते हैं तो वो पास और क्लियर कहा जाता है. पर वो बच्चा 91% लाया, जो एक रेगुलर स्टूडेंट भी कभी कभार नहीं ला पाते हैं. जब एक तीन सेंसेस के पास, मतलब उस बच्चे के पास सिर्फ तीन सेंसेस है और दो सेंसेस नहीं है, जब वो तीन सेंसेस वाला बच्चा इतना कुछ सीख सकता है तो मेरे हिसाब से रेगुलर स्टूडेंट तो बहुत अच्छा सीख ही सकते हैं. तो यही बात है कि जब एक तीन सेंसेस के साथ एक बच्चा समझ पा रहा है, उस चीज़ को कर पा रहा है, तो उस चीज़ की खुशी थोड़ी और बढ़ जाती है और उस चीज़ में लगता है कि हाँ, जो समझाया करा वो और अच्छा इन्हांस हो पाया और अच्छा वो बच्चा कर पाया. तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि वो बच्चा 91% लाया, तो ना ही उसके घर वाले पर जो पढ़ा रहे थे टीचर्स, स्कूल्स और पेरेंट्स सब के सब इतने खुश हुए उस चीज़ को देख के, और उस चीज़ में वो अपने आप को और अच्छा पॉजिटिव चीज़ में भी आ जाता है कि हाँ, और लोग भी उन लोगों से कुछ सीख पाए. ये बहुत अच्छा उदाहरण प्रगति ने दिया कि ये बात हमें सबको ही एहसास में लानी होगी कि किसी भी तरीके से ये जो बच्चे हैं जिन्हें हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का नाम दे रहे हैं, या वो बच्चे जिनकी कुछ आवश्यकताएँ विशिष्ट हैं या ज़रूरतें अलग हैं, वो किसी भी तरीके से सीमित नहीं है.
सिर्फ सिर्फ हमें किस तरीके से उन्हें प्रोत्साहन देना है और किस तरीके से वो माहौल बनाना है कि वो अपनी सारी क्षमताओं को पूर्ण रूप में महसूस कर पाएँ और पूर्ण रूप में उन्हें एक्सप्रेस भी कर पाएँ, वो हमारी यानी समाज की जिम्मेवारी है। जब आप कक्षा कक्ष में शिक्षक की तरह उतरते हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपका कक्षा कक्ष एक छोटे से समाज का स्वरूप होता है। स्कूल इज़ ए मिनिएचर सोसाइटी, ये बहुत पॉपुलर सा फ्रेज़ है। तो जो समाज आप, जैसा माहौल आप क्लासरूम के अंदर बनाएंगे, वैसा ही समाज उस बच्चे को देखने को मिलेगा। यदि शिक्षक ने वो क्लासरूम के अंदर, जैसे पहले भी बात करी, कि एक अच्छा संवेगात्मक माहौल बनाया हुआ है जहाँ कोई भी बच्चा हीन भावनाओं से ग्रसित नहीं है, किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं लगता कि मेरी ज़रूरत पूरी नहीं है या मैं किसी से कम हूँ, तो वो चीज़ बच्चे के लिए भी अच्छी है। और हाँ, जैसे कि प्रगति जी ने डिस्कस किया कि वो स्कूल के लिए भी, समाज के लिए भी, सबके लिए ही वो चीज़ मुझे लगता है कि बहुत अच्छी रहेगी और समाज को एक लेवल से और ऊंचे लेवल पर लेकर जाने का काम कर सकती है। इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनमें एक अलग तरह की प्रतिभा देखी जाती है। जैसे मैंने देखा कि संगीत के क्षेत्र में जी एक अद्भुत मतलब उनको वरदान मिला होता है, या टेक्निकल वर्क में। क्योंकि मैंने इसलिए ये उठा रहा हूँ कि हम लोगों ने एक नया चैनल शुरू किया है साइन लैंग्वेज का, साइन लैंग्वेज, और उसमें हमारे अध्यक्ष महोदय से किसी ने कहा कि आपने यहाँ पे पढ़ा दिया, उसके बाद आगे, तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ ये बहुत ही कामयाब होंगे। टेक्निकल क्षेत्र में तो कुछ भी ज़रूरत नहीं है, अगर स्किल्ड हो गया कोई भी बच्चा तो कोई भी काम कर सकता है वो। उसके अलावा जो जैसे मैंने बताया कि जो सुनने में असमर्थ हैं वो संगीत के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, या चित्रकारी के क्षेत्र में ये जो नहीं सुनने वाले बच्चे हैं। और हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं, संगीतकार रविंद्र जी को सब जानते हैं कि वो उनकी देखने की क्षमता नहीं है लेकिन फिर भी वो इतने अच्छे संगीतकार हैं। तो ये क्षमताएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ हमारे आसपास का हमने घेरा बनाया हुआ है। अगर सही मौका मिले बच्चों को और सही तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो कोई भी बच्चा किसी भी रूप से अक्षम नहीं रहेगा, सभी बच्चे सक्षम बनेंगे, चाहे किसी भी तरह की आवश्यकता जो है वो विशिष्ट हो। और ये प्रशासन की भी जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है और समाज की जिम्मेवारी है कि उन्हें एक सफल नागरिक के रूप में आगे बढ़ें। अगर हम किसी रूप में रोकते हैं तो अपराध कर रहे हैं हम किसी तरह से। बिल्कुल। एक और उसको अगर हम इकोनॉमिकली भी देखें सर, तो एक बहुत बड़ा नंबर है हमारी पॉपुलेशन का, क्योंकि भारत की जनसंख्या विश्व में दूसरे नंबर पे खड़ी है, तो हमारे पास जो ऐसे लोग हैं जो जिनकी आवश्यकताएं कुछ विशिष्ट हैं, वो भी एक बहुत बड़ा नंबर है। वो भी मैडम, हम लोग उसी में साइन लैंग्वेज में देख रहे थे विवरण, तो उसमें पता लगा कि 70 लाख जो लोग हैं वे सुनने में असमर्थ हैं या सुनने में बाधित हैं। और ये सिर्फ अभी हम एक क्षमता की बात कर रहे हैं, सिर्फ हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात करिए, तो ऐसे जब हम बाकी सारी क्षमताओं को जोड़ेंगे और सारी अक्षमताओं को जोड़ेंगे तो हमें ध्यान में और हमें शायद बहुत विस्तृत रूप में पता चलेगा कि एक जनसंख्या का एक अच्छा नंबर जो है वो किसी ना किसी रूप से विशिष्ट आवश्यकता है। तो फिर बिल्कुल समाज, प्रशासन, सरकार, घर, परिवार, सबकी जिम्मेवारी बन जाती है। और यहाँ पे तो शिक्षक, यहाँ पे शिक्षक, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ शिक्षक को तो हम भूल ही नहीं सकते हैं, उसके ऊपर तो समाज पूरा उसके कंधों पर ही खड़ा है। तो यदि आप उस चीज़ को अच्छे से एहसास करेंगे और महसूस करेंगे तो ही आप उस तरीके के एफर्ट्स भी उठाएंगे कि आप सब बच्चों तक उनकी क्षमताओं को पूर्ण रूप से विकसित करने में मदद कर सकें। जी, तो शिक्षार्थियों, इस तरह से आपने देखा कि बहुत ही व्यापक रूप में आज चर्चा हुई कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन्हें शिक्षक किस तरह से मुख्य धारा में ले आएँ और उनका क्या दायित्व है। तो मुझे लगता है कि इस चर्चा से आपने लाभ उठाया होगा। मैं सोनाल छाबरा मैडम का और प्रगति शर्मा जी का, दोनों लोगों का धन्यवाद कराऊंगा कि इतने अच्छे तरीके से इस विषय को यहाँ रखा है। शिक्षार्थियों, इसी तरह से हम अलग अलग विषयों के साथ आपके समक्ष आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।